स्टार्ट हो गए। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब जैने आपको नाम पहले बताया था कि हम क्या शुरू करेंगे, टेंस। अच्छा, मुझे बताइए, टेंस को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। अच्छा, काल क्या होता है? सरल लैंग्वेज में काल क्या होता है? टाइम, समय। और समय मतलब टाइम। तो इस टॉपिक का नाम टाइम क्यों नहीं रख दिया गया फिर? भाई, टेंस यानी काल और काल यानी समय, और समय होता है टाइम। तो इस टॉपिक का नाम टाइम ही रख देते। इसका मतलब टेंस और टाइम एक नहीं होते भाई? अगर एक होते तो इसका नाम क्या रख देते? टाइम ही रख देते। चलो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ। देखिए, एक सेंटेंस लिखिए आप सभी लोग। आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो। आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो। गुड इवनिंग भूपेंद्र, सीमा। आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो। इस सेंटेंस को देख करके क्या आप बता सकते हैं कि इसमें टेंस कौन सा है? सपना कौन बोल रहा है? रोहिता बता रहे, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर का है? कैसे पता लगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है? इससे पता लगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और किसी को पता चला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और क्यों? राजकुमार, तुम्हें क्या लगता है कौन सा टेंस है? जिस वर्ब में आईएनजी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। क्या देखा सेंटेंस में आपने? और अच्छा, सटीक जवाब चाहिए मुझे महिपाल। एम या एम, इससे पता लगा, मतलब वर्ब देख के पता चला। एम आई राइट? किसी भी सेंटेंस का टेंस कौन सा होता है, अगर आपको ये पता करना हो तो उसकी वर्ब देखनी होती है। और कोई शब्द मत देखो उस सेंटेंस में, आप वर्ब देख लीजिए। और देखिए, यहाँ पर वर्ब कौन सी है? एम रिच। किसी भी सेंटेंस के टेंस का पता उसकी वर्ब से लगता है। वर्ब 2011, 12, 13 आरपीएससी के जो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड के, ग्रेड फर्स्ट का एलडीसी के जो एग्ज़ाम्स हुए ना, एमवीएसआई, ये जो आरटीओ वगैरह बनते हैं, इनके एग्ज़ाम में मैंने पेपर देखे थे, उसमें क्वेश्चन इन्होंने ये पूछ लिए, सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया इसमें टेंस कौन सा है, और नीचे चार टेंस के ऑप्शन दे दिए इन्होंने। तो अब तो खैर नहीं पूछ रहा, पिछले दस साल से ये पैटर्न बहुत इजी पैटर्न था, इसलिए इस पर क्वेश्चन अब वो नहीं पूछता है। तो आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, इसमें आपने देखा आई एम रीचिंग, तो इसमें देख के पता लगा कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें टाइम कौन सा है? आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो। टाइम मतलब घटना कब घटित हो रही है, व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग। घटना घटित कब हो रही है? तो मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूं, इसमें टेंस तो बता दिया आपने, आई एम रीचिंग देख के प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन टाइम कौन सा है इसके अंदर? फ्यूचर का है। कितनी अजीब बात है कि टेंस प्रेजेंट का है जबकि टाइम कौन सा है? फ्यूचर का है। टाइम यहां पर फ्यूचर का है। एक सेंटेंस और लिखिए आप लोग।
हम ये बात कर रहे हैं कि टेंस और टाइम दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कि एक हैं। अभी इस टॉपिक का अपना आप नए स्टूडेंट हैं आज, ग्रेड फर्स्ट के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। क्या नाम है आपका? गुलाब जी। तो शुरुआत ऐसे हुई कि भाई टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? काल। काल क्या होता है? समय। और समय क्या कहते हैं? टाइम। तो क्या टेंस और टाइम एक ही होते हैं? इस चीज को परख रहे हैं। तो हमने पहला सेंटेंस देखा, इसमें एम रीचिंग देख के पता लग गया टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जबकि टाइम कौन सा है? फ्यूचर का है। अब अगला सेंटेंस देख रहे हैं, यू विल हैव रेड टेंसेस एट योर स्कूल। तो गुलाब आप ही बताइए, क्या लगता है आपको इस सेंटेंस को देख करके टेंस कौन सा है? इस सेंटेंस को देखकर बताइए टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस है, सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो बताना। कैसे पता लगा फ्यूचर परफेक्ट है? आपका जवाब सही है। अच्छी बात यह है कि आपका जवाब सही है। पता कैसे लगा आपको फ्यूचर परफेक्ट है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये थोड़ा लेट हो गए थे आने में। विकास आप भी सुन रहे हैं बात को? किसी भी टेंस का पता किससे चलता है हमारे को? उसकी वर्ब से पता चलता है। यहाँ वर्ब कौन सी है? विल हैव रेड, रीड नहीं है। जब थर्ड फॉर्म होती है तो क्या बोलते हैं इसको? रेड बोलते हैं। सेकंड फॉर्म में भी इसको रेड बोलते हैं। विल हैव रेड आपने देखा तो टेंस कौन सा है दोस्तों? ये वाला फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। अच्छा, केवल विल हैव होता तो कौन सा टेंस होता है? केवल विल हैव होता तो कौन सा टेंस होता है? केवल विल हैव होता, रेड होता ही नहीं जी। सोच रहे हैं आप या सोचने का नाटक कर रहे हैं? हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में बहुत उत्कृष्ट जवाब देने वाले हैं आप। सोच तो इस प्रकार से रहे, नहीं पता किसी को केवल विल है होता। काजल तुम भी नहीं बता पा रही हो, बबीता भी नहीं बता पा रही है। अकेला विल हैव आ सकता है, खूब आता है। यू विल हैव अ न्यू बाइक नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर सिंपल। विल के साथ हैव थोड़ा फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है और हैव बेयर इन्फिनिटिव है, तो ये फ्यूचर सिंपल होता। केवल विल हैव होता तो कौन सा टेंस होता? फ्यूचर सिंपल। विल हैव थर्ड फॉर्म है तो केवल विल भी होता तो फ्यूचर सिंपल, और विल भी आईएनजी होता तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता साथ में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता। तो विल हैव रेड ये फ्यूचर परफेक्ट है, और टाइम कौन सा है इसके अंदर? पास्ट का है। कितनी अजीब बात है, कभी जिंदगी में महिपाल ऐसा सोचा था क्या तूने? एक दिन ऐसा आएगा मेरी जिंदगी में जब टेंस तो फ्यूचर का होगा और टाइम पास्ट का होगा। कभी सोचा था एक दिन ऐसा आएगा टेंस फ्यूचर का होगा और टाइम कौन सा होगा? पास्ट का। टाइम कैसे मिल पा ली है? पास्ट का टाइम कैसे? यू विल हैव रेड टेंसेस एट योर स्कूल, अपने स्कूल में टेंस पढ़े होंगे। नहीं पता आपको? कौन बताएगा टाइम पास्ट कैसे? तीनों हाँ में हाँ भर दिया आप लोगों ने। राजकुमार, ये टाइम पास्ट का है, थर्ड फॉर्म से पास्ट का टाइम है। सो पुअर आंसर। विकास, नहीं पता विकास को। गुलाब, आपको भी नहीं पता। रोहित, पास्ट की बात कर रहे कि तुमने टेंस पढ़े होंगे अपने स्कूल में, तुमने स्कूल कब की थी? आपने कब की थी स्कूल? पहले की थी, इन्होंने बाद में किया, आपने पहले की। अला ये तो निश्चित रूप से बात है कि आज से 5-7 साल पहले तो की होगी। किसी को 10 साल भी हो सकते हैं, किसी को 5 साल हो सकते हैं, किसी को 7 साल हो सकते हैं।
और 2 घंटे पहले का समय भी, 2 मिनट के पहले का समय भी क्या होता है? पास। जो समय गुजर गया वो सब क्या है? स्कूल में टेंस पड़े होंगे तो टाइम कौन सा हो गया? पास्ट का हो गया। टाइम पास्ट का है लेकिन टेंस कौन सा है? फ्यूचर। कितनी अजीब बातें हो रही हैं। और देखो आप एक सेंटेंस, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। निकिता क्या लगता है आपको इसमें कौन सा टेंस है और टाइम क्या है? इसमें टेंस कौन सा, टाइम कौन सा? टेंस तो पास सिंपल है। कैसे पता लगा निकिता पास सिंपल टेंस है? शाबाश बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। न्यू वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। नो, न्यू, नॉन और सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में आती है, उस टेंस का नाम क्या है? सिंपल पास्ट है। ठीक है ना, तो टेंस तो हो गया सिंपल पास्ट या पास सिंपल। अच्छा निकिता जी आप ही बता दीजिए टाइम कौन सा है इसमें? इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। फ्यूचर लग रहा है, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? आपके दिल से ऐसी आवाज आ रही है कि ये फ्यूचर होना चाहिए। इसमें टाइम कौन सा है इसमें निकिता जी? इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। आपका नाम क्या है? दिव्या। आप बता सकती हैं कैसे? शाबाश, सही जवाब। इसका मतलब है इफ आई न्यू द आंसर, यदि मुझे उत्तर पता होता तो मैं आपको बता देता। कब बता देता? अभी बता देता। निकिता तुम्हें पता है भारत और अमेरिका के बीच में एक परमाणु समझौता हुआ था, कुछ है ध्यान आपको? पहली बार वो मनमोहन सिंह जी और बराक ओबामा के बीच में हुआ, दोबारा फिर वो रिन्यू हुआ और इस बार राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा ही थे लेकिन इधर प्रधानमंत्री मोदी थे, अटल बिहारी तो पहले था वो। अब जब दोबारा रिन्यू हुआ तो उसकी प्रमुख 5 शर्तें कौन सी है निकिता, आपको वो बतानी है। किन किन शर्तों पे अपने को परमाणु की वो बनाने की चीज़ें देगा, बताना तो पड़ेगा। आप नहीं बताया तो मैं आपको जाने दूंगा आज यहाँ से, तुम्हारी मेरी हाथापाई भी हो सकती है मान लो। बताना पड़ेगा तुम्हारे को। क्या आपको नहीं लगता है कि अभी सेंटेंस बोल सकती है? कौन से वाला? अगर मुझे उत्तर पता होता। पता ही नहीं, इतनी बड़ी, मुझे पहली बार का नहीं पता क्या शर्त है, दूसरी शर्त कहाँ से पता चलेगी मेरे को? मैं पैदा भी हुई थी नहीं हुई थी पता ही नहीं मेरे को, तो मुझे कैसे पता था? तो मुझे उत्तर पता होता तो बता देती। कब बता देती? अभी बता देती। अच्छा मैडम क्या नाम बताया था उसने आपने? इंदू। इंदू, इंदू जी आपके पास अभी 10,000 कैश पड़े हैं क्या? मेरे को जरूरत है, अर्जेंट में काम आ गया, मेरी गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई। अरे दे दूंगा, मना मत करो, मैं फैकल्टी हूँ यहाँ पे, पैसे खाऊंगा नहीं, चिंता मत करो, मैं दे दूंगा, विश्वास करो। नहीं अरे मैं विश्वास करो वाकई में। हाँ हिंदी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आती हिंदी भी। हाँ यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं इसको। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको अभी दे देती, इतनी सुनती नहीं आपसे बात में, अभी दे देती। कब दे देती? अभी। तो टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। ये इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं, इफ के साथ सेकंड फॉर्म आती है, इमेजिनेशन करते हैं, टेंस पास्ट का यूज होता है, लेकिन टाइम कौन सा होता है इसके अंदर? प्रेजेंट का होता है। तो देखो बड़ी अजीब बात है, टेंस पास्ट का और टाइम कौन सा है? प्रेजेंट का है। कितनी अजीब चीजें हो रही हैं, टेंस फ्यूचर का है और टाइम कौन सा है?
पास्ट, इसका मतलब टेंस और टाइम एक नहीं होते। वन मोर सेंटेंस, ये लिख लिया हो तो आप लोगों ने, आगे चलूं मैं, इसको लिख लो आप। ओके आगे चलूं, सबने लिख लिया ना। I sell books. दिव्या जी कौन सा टेंस लगता है आपको, ये कैसे पता लगा? कहाँ है जो चीज़, तो कहाँ दिख रही है आपको? अभी आप भूल गए, बेसिक चीज पकड़ के रखा करो हमेशा। मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी सेंटेंस के टेंस का पता किससे लगता है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बताइए वर्ब देख करके, कौन सी वर्ब है उससे कौन सा टेंस होगा? अब पास्ट हो गए, पहले प्रेजेंट सिंपल था ना। वर्ब देख के आपको लग रहा है पास्ट है, क्यों लग रहा है पास्ट का है? क्या है वर्ब में ऐसी खास बात? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, देख रहे हो आप? ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम की खराबी है। और ये लोग, कोई बात नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, ये इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, ये आप सबके लिए। मैं SMS में भी डायलॉग सुना के आया वाला, और आप लोग तैयार बैठे हैं पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में, बस इंतज़ार कर रहे हैं केवल वैकेंसी का, एग्ज़ाम होने का। सोचो उन बच्चों का क्या होगा जिनको आप मिलेंगे टीचर के रूप में, सोचो आप देश का भविष्य किन हाथों में है? क्या वो सुरक्षित है? क्या आपको डर नहीं लगता क्या हम क्या करेंगे उन खिलवाड़ उनके साथ में? बहुत तैयारी उनकी। और ये मैं अगर किसी को बाहर जाके बताऊँ ना कि यार मैं उन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ जो MA है, BEd है, दे विल फील प्राउड ऑफ मी। प्राउड बात ऑफ ही आता है ना, ये पढ़ा आपने फिक्स, दे विल फील प्राउड ऑफ मी। बट जैसे अगले मोमेंट उनको बताऊंगा कि उनको टेंस भी नहीं आते हैं, तो उनका फिर तो कोई पढ़ा ले उनको, तो उनको टेंस ही नहीं आते, कोई पढ़ा सकता है? और ये स्थिति एक की नहीं है, आप सबकी होगी, देखना आप, क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका गलत रहा है। मैं आपकी इंटेलिजेंस पर सवाल नहीं उठा रहा, आप जो पढ़ने के तरीके ना आपके गलत हैं, आपको बेसिक्स नहीं पता होते हैं। आप हवा में उड़ते हो, बहुत ऊंचे जाते हो, बट बेसिक को आप छोड़ देते हो, जबकि बच्चों को पढ़ाना क्या है आपको, बेसिक ही है। देखो किसी भी सेंटेंस के टेंस का पता लगता है उसकी वर्ब से। सेल जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सेल यानी क्या होता है? बेचना। और सेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है? हाँ, प्रेजेंट सिंपल। तो ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है जो कि इन्होंने पहले बताया था, पर जैसे ही वर्ब देखी आंसर चेंज कर दिया। टाइम कौन सा है इसके अंदर? दिव्या जी को छोड़ता हूँ, मैं आगे पूछता हूँ। सपना, टाइम कौन सा है इसमें? टाइम प्रेजेंट का ही है। रूबी गुप्ता, पुराने पढ़ के जाती है वैसे, नियम नियम सारे मैंने पूछा नहीं, कहाँ से देते जवाब? मैंने तो अलग अलग लोगों से पूछा, बोलने नहीं देता क्लास में ऐसे। मैं जिससे पूछता हूँ जवाब उसी से लेता हूँ, मैं ध्यान होगा आपको, ये भूल गई शायद इस बात को, ऐसे जवाब दे दोगे आपको आता है तो ये बता सकते हो ईमानदारी से कि इससे पहले वाले कोई जवाब नहीं आ रहे थे आपको? ठीक है, क्यों है इसमें तीनों टाइम? देखो ये बिल्कुल सही कह रही है बात, इसमें टाइम ना कितनी अजीब बात है, तीनों टाइम है। कोई बोलता है मैं किताब बेचता हूँ,
कब बोलेगा वो, भाई साहब क्या करते हो, मैं किताब बेचता हूँ, मतलब मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है, किताब बेचते आ रहा हूँ कई सालों से, आज भी बेच रहा हूँ, और आगे अगर चौड़े रास्ते में सकड़ी से दुकान होगी तो आगे भी बेचता रहूँगा। नाम भले चौड़ा रास्ता है पर दुकानें कैसी हैं, वहाँ पर सकड़ी सकड़ी हैं, यहाँ तो मैं आगे भी किताबें बेचता रहूँगा। तो ये टाइम कौन सा हो गया, फ्यूचर क्या। जैसे कई बार लोग मुझसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछते होंगे, जैसे अभी मैं गाँव गया, दो तीन दिन में गाँव ही था, और वो अभी बारिश वारिश हुई है तो पेड़ पौधे लगाने थे, मुझे सोच रखा था, एक प्लान कर रखा था जगह में, पिछली बार उसकी दुम दो गए, ध्यान हो गए तो बाउंड्री वाउंड्री चल रही थी, इस बार वो पेड़ पौधों का टाइम आ गया, लगभग 100 पौधे लगा के आया हूँ मैं, अब चलेंगे नहीं चलेंगे वो बात की बात है, बारिश तो हो गई थी। अब वहाँ जो काम करने वाले आए या जो परिवार वाले लोग थे, वो पूछते हैं कई लोग, भाई तू क्या करता है, तूने जगह भी ले ली, तू पेड़ भी लगा रहा है, क्या काम है तेरा, पढ़ाता हूँ। तो बड़ा हमारे यहाँ जो हमारी कास्ट है राजपूतों में, बड़ा अजीब समझते हैं, पढ़ाता है, क्योंकि मेरे जहाँ मैंने जहाँ काम चल रहा है उसके जस्ट सामने ही दो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हैं, एक BSF में है, एक आर्मी से रिटायर्ड है ना, पीछे की तरफ ऐसे ही, तो वो पूरा मोहल्ला ही ऐसा ही है कि सब उसमें आर्मी में और इनमें उसमें पढ़ाता है। तो दूसरा मजदूर पूछता है तो खड्डे खोद रहा था, सब सरकारी मास्टर हो, मैं कह नहीं प्राइवेट, अरे मास्टर ही बना तो कौन सा बना, प्राइवेट ही बना, सरकारी तो बनता कम से कम, गांव में इज्जत केवल किसकी है, जो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है ना। तो मैं ठीक है तो प्राइवेट, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, तो पढ़ाता हूँ, ये मैं कब बोलूँगा ये बात, जब कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ, और सब कुछ सही रहा तो आगे पढ़ाता रहूँ, सब कुछ सही रहा मतलब, जैसे मान लो राजकुमार किशन गुस्सा आ जाए, जो अक्सर चेहरे से लगता भी है उसके, कि साहब आपको अंग्रेजी पढ़ाना बुला दूंगा मैं, और मान लो मुझे अंग्रेजी पढ़ाना भुला दे, और मैं अंग्रेजी पढ़ाने आऊँ यहाँ पे, तो मुझे पढ़ाना मैं तो भूल जाऊँ क्या पढ़ाना है, तो सब कुछ सही रहा तो आगे पढ़ाता रहूँगा, अगर ऐसे कोई बुला दे तो बात अलग है, ठीक है ना। तो कौन सा टाइम हो गया इसके अंदर, तीनों टाइम, जैसे आते हैं ना सूरज पूरब में उगता है, तो इसमें टाइम कौन सा है, तीनों हैं, पास्ट में भी है, प्रेजेंट भी है, और फ्यूचर भी रहेगा। तो प्रेजेंट सिंपल में जनरली तीनों टाइम रहते हैं जनरली, तो टाइम तीनों लिख लीजिए इसमें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों होगा, सीमा सोलंकी भी कह रही हैं, मनीष प्रेजेंट बता रहे थे, तीनों होंगे इसके अंदर। देखिए अच्छा, इन तीनों चारों सेंटेंस से आपको क्या पता चला, टेंस और टाइम एक नहीं होते, हमेशा एक नहीं होते, एक हो सकते हैं, कई बार प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टाइम बता सकते हैं, पास्ट का टाइम पास्ट बताता है, बट हमेशा एक नहीं होते। तो एक लाइन लिख लीजिए, दस वी कैन से दैट, दस THUS, दस वी कैन से दैट, दस वी कैन से दैट टेंस व टाइम, टेंस एंड टाइम, टेंस एंड टाइम, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, दस वी कैन से दैट देर इज नो वन टू वन करस्पॉन्डेंस, there is no one to one correspondence between tense and time, there is no one to one correspondence between tense and time, there is no one to one correspondence। ऐसे स्पेलिंग लिख लो, इधर उधर बगल में देखने से कोई मतलब नहीं है, बगल वाला भी गलत लिख रहा है। There is no one-to-one correspondence between tense and time. Tense और time में कोई ऐसे नहीं होता कि जो tense होगा वही time होगा। ये आपने तीन example से देख लिया, tense और time क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा अब एक basic बात करते हैं, आप बताइए tense होते कितने हैं काजल, कौन कौन से। देखो अगर देखा जाए इंग्लिश ओरिजिनली देखा जाए तो दो ही टेंस थे, एक प्रेजेंट था और एक पास्ट था,
फ्यूचर टेंस इंग्लिश में नहीं होता था क्योंकि फ्यूचर टेंस में तो विल शैल आते हैं और विल शैल मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन मोर देन 50% इंग्लिश हैव बीन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड वी अडॉप्टेड इंग्लिश मोस्ट ऑफ द इंग्लिश फ्रॉम देयर. सो नाउ इन इंग्लिश थ्री टेंसेस आर taught and read. Three tenses, present tense, past tense and future tense. But earlier there were only two tenses, present and past. And the good thing is in Hindi we have also three tenses, Bhutkal, Vartman Kal and Bhavishyakal. और जब इनको हम आपस में correlate करते हैं तो हमें translation method से पढ़ने में आसानी भी रहती है. तो ये अच्छी बात है कि तीन tenses English में भी हैं और तीन काल हिंदी में भी. तो तीन कौन कौन से हो गए, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है. आपको ध्यान है प्रत्येक टेंस के चार चार पार्ट्स भी होते हैं. विकास कौन कौन से होते हैं इसको हटा के बोल, बोलने जाएगा इसे. फोटोग्राफी का पोज होता है. मैं एक बार मेरे चाचा के एल्बम देख रहा था इंदु जी, तो चाची ने ऐसे फोटो जा रहे थे उसके अंदर शादी एल्बम, ऐसे ऐसे को माला ले करके ना, दिल के अंदर चाचा और चाची, ठीक है ना, बड़े अजीब लग रहे थे वो, बड़े अजीब गजरे की माला लेकर के. आपने खिंचाए से फोटो शादी में? नहीं, बबीता ने तो खैर कोरोना में कराई शादी, इसके तो फोटोग्राफर ही नहीं आया होगा. हाँ कोरोना में शादी में मैडम की चार लोग थे, पांच लोग थे शादी में, पांच थे जिसमें दो तुम थे हस्बैंड वाइफ हैं. चलो तो हम क्या बात कर रहे थे, पोज वाली बात कर रहे थे, ऐसा पोज नहीं. तो चार कौन कौन से होते हैं विकास? शाबाश, सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और प्रेजेंट के चार होंगे, प्रेजेंट सिंपल. दूसरा बोलो दिव्या जी, आप बोलो प्रेजेंट सिंपल. दूसरा उबासी नहीं आएगी इससे. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट. चौथा ऐसे ही पास्ट के चार होंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और ऐसे फ्यूचर के हो जाएंगे. तो तीन के चार चार हो गए तो तीन चौक 12, 12 टेंसेज होते हैं. और जो अपने को पढ़ना है अगले 8-10 दिन में वो यही पढ़ना है कि टेंस के, इन 12 टेंस के क्या हिंदी की पहचान क्या होती है, इंग्लिश की पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके क्या यूज़ होते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इन सब पे हम बात करने वाले हैं. तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये लिखवाने की बात है कि तीन प्रकार के टेंस होते हैं, चार चार पार्ट्स होते हैं, आपको ऑलरेडी आते हैं और वो वैसे भी यहाँ आ जाएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन सारे सही होंगे होंगे. और इन प्रत्येक टेंस के आपको ध्यान है चार चार सेंटेंस भी बनते हैं. प्रेजेंट सिंपल के चार सेंटेंस बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के चार सेंटेंस बनते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं महिपाल? वो ध्यान नहीं है. राजकुमार? ध्यान नहीं है. गुलाब जी? पहला बोला आपने सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का पहला पार्ट सिंपल होगा. नहीं, नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होता है? एफर्मेटिव होता है. एफर्मेटिव बोलना था आपको, एफर्मेटिव या पॉजिटिव बोल सकते थे बट एफर्मेटिव ज़्यादा बेहतर है. एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. 12 टेंस, 12 के चार चार सेंटेंसेस बनते हैं. तो मतलब इस तरह के, पर वो फोर को तो याद करने जरूरत नहीं है. एक बार शुरू में मैं आपको तरीका बता दूंगा, ये फोर के पार्ट्स तो बनाने आपको आ जाएंगे. तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल. सीमा सोलंकी, सर वीडियो रुक गई है, पोज हो गई है. पोज कैसे होगी भाई? हाँ रुकी हुई तो है. ये रवि वीडियो पोज हो गया, बच्चे भी बोल रहे हैं दिख भी रहा है पोज हो. सीमा आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को?
ये केवल इसलिए पता होनी चाहिए, पहचान से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में पहचान पे क्वेश्चन नहीं आते, बट आप टीचर की तरह पढ़ाओगे और ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ना चाहते हो तो ये पहचान पता होनी चाहिए आपको। हिंदी की पहचान क्या होती है, जोर से बोलिए। बिल्कुल ठीक है, ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्द आते हैं हिंदी के वाक्यों के अंत में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है, देखो ये तो हिंदी की पहचान होगी, क्या आपको पता है इंग्लिश की पहचान क्या होती है? अभी आपको दिखाई दे रहा है सीमा गौरव, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एक में, जिनको जब आप देखोगे सेंटेंस में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वो वर्ड्स जिनसे आपको टेंस का पता चल जाए। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, जो इसके तीन चार क्वेश्चन आएंगे ना टेंस के, उसमें हिंदी का कहीं शब्द नहीं होगा, पूरा पेपर देखा होगा आपने पिछला, हिंदी कहीं नहीं आती उसके अंदर। तो इंग्लिश सेंटेंस को देख के पता कैसे चलेगा कि वो प्रेजेंट सिंपल है? तो उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स। अंग्रेजी के वो शब्द जिससे पता चल जाए कि टेंस कौन सा है। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना, तो टेंस का पता किससे चलता है आप लोगों को? वर्ब से। और वर्ब कौन सी आएगी पता किससे चलेगा? एडवर्ब से। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, कितने लोगों को पता है, जो पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल हो गए? राजकुमार को, रोहित को, और आप दोनों लड़कियों को पता है। राजकुमार आप बताओ पहले। ड्रिल, डेली, हाँ, ये जो सारे वर्ड्स बोल रहे हैं इनकी खास बात पता है क्या है, कॉमन चीज़ है सबके अंदर? ये नहीं पता। चलो ये जो बता रहे हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए। ये शब्द राजकुमार को याद हैं, आप सभी को याद होने चाहिए कल की क्लास तक। आगे अगला टेंस पढ़ के आने जरूरत नहीं है रूबी, पढ़ने का बहुत सारा, नहीं मैं कह रहा हूँ पढ़ने का बहुत सारा आपके पास। आज जब मैं वो ओके पूछूंगा ना छठा वीडियो, तब आपके चेहरे पे तोते दिखाई देंगे मेरे को उड़ते हुए। आपको याद नहीं, इंदू ने याद किया होगा शायद छठा वीडियो, ये जब से गई है लगी रही है उसी के अंदर, सब कुछ भूल गई है, खाना पीना केवल उसी को याद कर रही है। एम आई राइट? आपने देखा ही नहीं उसको, छठा नहीं देखा आपने, दिव्या जी छठा जरूर देखा होगा, आपने भी नहीं देखा है, क्यों बेटा? आपको बिल्कुल पसंद नहीं जो सर कहते हैं, या कोई और लॉजिक्स हैं आपके पास? याद करेंगे नहीं वो कैब, आप शुरू नहीं किया आपने, हाँ ना में जाओ बोल के बोलो, कुछ भी वो कैब याद करना शुरू नहीं किया आपने? यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपको डांट भी सकता हूँ इफ़ यू अलाउ मी, तो वो डांटने की स्थिति आ गई है मान लो आप, मैं नहीं बोल रहा, नहीं बोलने में समझ जाओ। निकिता जी आपने भी छट्टा याद नहीं किया अभी तक, कितने दिन तो मिल गए थे आपको, सैटरडे को कहा था और पिछले दो हफ्ते से याद कर रहे थे आप। नए लोगों में कहा था केवल छट्टा याद कर लेना आप लोग, क्वेश्चन देख लेना। सपना पूछ सकता हूँ मैं, पूछूंगा आज मैं, रूबी कौन कौन से ऐसे सफिक्स हैं आप पांचों लड़कियों में से बता सकते हो जो बताओ, जिससे हम नाउन में जोड़े और वर्ब बन जाती हैं? सफिक्स के नाम बता दो केवल, इधर ही बता दो बिना नोटबुक देखे, हेमा, मनीष, ये सब लोग बिना नोटबुक देखे। नाउन से वर्ब बन जाए, ऐसे कौन कौन से सफिक्स जोड़ूं मैं नाउन में जिससे वर्ब बन जाए? कितना जरूरी चीज है, उनको देखते पता लगा रही तो वर्ब है, ये जुड़ा हुआ है लास्ट में तो वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, नहीं पता? रूबी जी याद नहीं आ रहा, आपको भी याद नहीं आ रहा, बॉयज में से किसको याद आ रहा है? आई जेड ई, आई एस वाई, ई एन लेंथन, और ब्लैकन होता है जिनसे क्या बन जाते हैं, और वो एफ वाई, ई एफ वाई,
IFY और ये सब एडजेक्टिव से, मतलब एडजेक्टिव से वर्ब बनाने में भी काम आते हैं, सेम चीज़ें IZE और ZE और FY, रेक्टिफाई वर्ब है, लेंथन वर्ब है, सिस्टमेटाइज वर्ब है, ISE किसी के लास्ट में लगा। और ये ग्रेड सेकेंड क्वेश्चन आते हैं कि लाइन देख के बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ISE लिखा हुआ है, वर्ब है, तो कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप पढ़ा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं। कोई नहीं, आप जो याद करने के लिए बोला जाए ना उसमें रात और दिन लगाओ, जो नहीं बोला गया उसको मत पढ़ो। एडवर्ब्स तो कौन कौन से वर्ड हैं, सब लिख लीजिए साथ साथ में, डेली लिखते जाओ साथ साथ में, डेली, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, रेगुलरली, ऑकेजनली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडे, ऑन मंडे, वंस अ डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, ये वर्ड्स अगर आ जाएं तो आप समझ जाना कि हो ना हो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, टेंस प्रेजेंट सिंपल है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था जो राजकुमार जी ने जवाब नहीं दिया, अब इनको देख करके आप जवाब दे सकते हैं। इन सब एडवर्ब्स में, इन सारे वर्ड्स में क्या कॉमन चीज आपको नजर आती है, क्या नजर आता है आपको इन सब के अंदर? कुछ नजर आ रहा है? ये मत बोल देना कि सब में एलवाई है, क्योंकि सब में एलवाई नहीं है। एक ने बोला कि सारी एडवर्ब्स हैं साहब, यही कॉमन चीज है, वो तो लिखे रखे हैं, ये सारे प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब हैं, ये भी नहीं पूछ रहा मैं। किसी ने एडवर्ब्स पढ़े हो और इन सारे एडवर्ब्स को देखो, में खास बात कॉमन है, हाँ, दीज आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं ये सारे। ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ। गुलाब, तुम्हें कोई स्पेलिंग लिखने में दिक्कत आ रही है? सारे वर्ड वैसे तो देखो ये टेंस रिलेटेड है, मैंने बोल भी दिए हैं, और फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती तो पूछ लिया करो आप, बट ज़्यादा अच्छा है कि स्पेलिंग तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं बाद में, कह रहे शब्द क्या है मैं देख लेता हूँ, डिक्शनरी चेक कर लेता हूँ, मोबाइल चेक कर लेता हूँ। तो ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ है। जैसे आप
कोई काम डेली करते हैं, यूजुअली करते हैं, जनरली करते हैं, नॉर्मली करते हैं, सामान्यतः करते रहते हैं, रेयरली कभी कभार करते हैं। सुनो इधर गुलाब जी कायम लिखने में लगे बेटा आप, अभी पूरा नहीं हुआ क्या? अभी नहीं लग रहा है बेटा, उसमें लगा हुआ है लिखने में, कि समझ ना जाए बाढ़ में, लिख के ले जाना भैया, जिंदगी में वो याद रहेगा। कहाँ पहुँच गया, कौन सी लाइन पहुँच गया, राजकुमार देखना कौन सी लाइन पहुँच गया भैया, अभी वंश में है। ठीक है, तो फिर तो एक दो छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। रेयरली ऑफन, वो अक्सर करता है, सेल्डम यानी कभी कभार, ऑलवेज यानी, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर जब मेहमान आते हैं ना तो लोग उनसे पूछते हैं, मेहमानों से, आपके पता नहीं परंपरा ही नहीं हमारे है, शाम को भाई साहब लेते हो क्या? तो उसने कहा डेली, डेली लेता हूँ। ऑलवेज यानी हमेशा लेता हूँ, नेवर यानी कभी नहीं लेता, समटाइम्स यानी कभी कभार ले लेता हूँ, रेगुलरली लेता हूँ, फौजी आदमी पूछोगे आप क्या बोलेगा वो, रेगुलरली, अकेजनली मतलब किसी किसी मौके, जब जब मुफ्त की मिल जाएगी शादी ब्याह में तो अपन छोड़ते नहीं, घर के अपन लेते नहीं, ठीक है ना? तो अकेजनली मतलब किसी किसी अवसर पे, एवरी डे यानी रोजाना लेता हूँ, एवरी वीक जैसे कुछ लोगों ने नियम बना रखा है वो सैटरडे कोई काम करते हैं, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडे, ऑन मंडे, वंस अ डे, दिन में एक बार लेता हूँ, हाँ, हफ्ते में। अभी मैं जब काम कराने गया तो मजदूर को बोला भाई कल आ जाना, अब अपने यहाँ टाइम होता है मजदूर आ गया 9 बजे, वो सुबह 5 बजे आधे घंटे बैठने लग गया, वो और 5 बजे वो आदमी सेट था, मतलब पी पा के आया था 5 बजे, अब बोलो, और वो सारे दिन केवल दारू के नाम पे काम करना चाहता था कि मुझे पिलाते रहो, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, खड्डे तो खोदने के, पेड़ को धर्म काम है साहब, ठीक है ना? और पर वो मजदूर 600 रुपये लेता, उसने 700-800 रुपये टिका दी पूरे दिन के अंदर, भूखे पेट। ऐसे लोग बदनाम करते हैं उस चीज़ को, डर लगता है लोग घर वालों को कि यार कितनी खतरनाक चीज़, सुबह से लेकर लगा हुआ है वो, वंस अ डे नहीं द होल डे, पूरे दिन, शुरुआत ही किससे करता है वो, उस चीज़ से करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, महीने में एक बार, महीने में दो बार, ये चीज़ ये बता रहे हैं कि कोई काम कितनी बार होता है। तो अब आपके दिमाग में चीज़ आ गई यार कि जितने भी जो एडवर्ब्स हैं फ्रिक्वेंसी वाले, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, रेयरली, ये सब एडवर्ब जो हैं ये किस टेंस के एडवर्ब्स हैं, मतलब डेली देखते समझ जाओगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, यूजुअली देखते समझ जाओगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। तो दो चीज़ याद होगी, चार चीज़ याद करनी होती है अपने को। अब जब से देख लिया कि ये होता है तो अब टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल ये लिख लिया आप सर, गुलाब लिख लिया बेटा लास्ट के दो लाइन फटाफट। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, ये कौन बताएगा? बबीता जी आपसे शुरू करता हूँ मैं, लिख लिया भाई? हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में इस पहले टेंस में सारे बता देता हूं आपको। पहले हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस की, चार तरह के सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बताना है एफर्मेटिव सेंटेंस का, तो क्या बताना चाहेंगे? पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर आएगा, ऐसा पढ़ा है आपने ना? कितने लोग समर्थन करते हैं बबीता जी का? ये जो स्ट्रक्चर लिखवाया है इन्होंने, ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बता रही हैं, कोई इनका समर्थन कर रहा है क्लास में? बबीता जी घूम के देख लो एक बार, कोई नहीं कर रहा है। होता है कई बार ऐसा जिंदगी में, आप अकेले पड़ जाते हो कई बार। इंदु जी आप बताइए। अच्छा, आप बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, उसके बाद
ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जैसे ये कह रही हैं कुछ और शब्द आ जाए। इंदु जी का समर्थन कितने करते? इंदु का समर्थन कर रही हैं मिस निकिता, मिस दिव्या, मिस्टर विकास, गुलाब जी भी कर रहे हैं और प्रजापत जी भी कर रहे हैं, राजकुमार भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके समर्थन में काफ़ी लोग हैं। कौन कौन विरोध कर रहा है इनका? विरोध कोई नहीं कर रहा, मतलब ये स्ट्रक्चर ही है सबका। आप तीनों का भी स्ट्रक्चर है, अलग है स्ट्रक्चर, विरोध हो गया ना फिर तो, अलग मत है आपका। रोहित आप पढ़ चुके पहले टेंस मेरे से, कहीं और पढ़े थे आप अन्यत्र? चलो आप ही बताओ। तो स्ट्रक्चर क्या लिखूं फिर मैं? बच्चों को क्या पढ़ाओगे? जो आठवीं क्लास का बच्चा है, दसवीं क्लास का बच्चा है, दो लिखवाओगे? एक ही लिखवाना पड़े तो ये गलत है। इंदु जी ये स्ट्रक्चर सही है कि गलत है उसका पता चलेगा आपको एक सेंटेंस। आप कह रही है कि सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्टों में क्या लगेगा? एस ओरिज, और वो तो केवल वर्ब बता रहे हैं। अरे वर्ब से क्या होगा? वही क्या आएगा? डूडस वर्ब में आएगा। अभी भी आप तो और ज़्यादा गलत हो गए। अब रहने दो, कोई बात नहीं, कई बार होता है। देखो नहीं आती, कुछ नहीं आती, इसमें क्या है? ठीक है, तो यही है ना मतलब। आप अब साथ हो गए आप इंदु जी के। ठीक है, अगर ये सेंटेंस सही है, इंदु और बबीता, एक सेंटेंस आपने सुना होगा, बोला होगा, हाल ही में उसका यूज़ भी किया हो, इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या है? इंदु जी ये सोच रही है मैं हिंदी अर्थ कर तो दूं पर ये दुनिया कुछ गलत ना समझ जाए। बबीता आप कर दो, आप लड़के हैं, मैं आपको लड़की समझता था आज तक, मैं आज तक भाई। देखो लड़की अगर है तो मैं का वो अर्थ लड़की की तरह करे, और लड़का है तो मैं का अर्थ लड़के की तरह, तो ताहूं नहीं ती हूं बोलो। तो ये अर्थ आपको भी आ रहा था, मनी मन में तो आ ही रहा था। हाँ ती हूँ आ रहा था लास्ट में, ती हूँ हिंदी अर्थ लास्ट, और ता है, ती है, ते है, ये किस टेंस में होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा प्रेजेंट सिंपल। तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो जैसा कि आप सब कह रहे हैं दो तीन लोगों के अलावा, तो उसमें तो एस और यस आना चाहिए था, या ना एस है और ना यस। अभी तक जो बात चल रही है स्ट्रक्चर, छोटे मासूम बच्चों को पढ़ा दिया आपने कि बेटा स्ट्रक्चर ये होता है, फिर कभी जिंदगी में इस वाक्य को देखेगा? उसमें ता है, ती आएगा, उसको लगेगा इसमें एस तो आया ही नहीं, ना यस आया। तो या तो ये सेंटेंस गलत है निकिता, या ये स्ट्रक्चर गलत है। क्या लगता है तुम्हारे को क्या गलत है? गलत बताओ क्या गलत, ये गलत है कि ये गलत है? दोनों ही गलत है। एक तो गलत है, ये तो 100% लिखवा ले मेरे से, मैं कह रहा हूँ एक तो गलत है। सेंटेंस सही है, ये कह रही है साहब सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। अगर ये सेंटेंस ही गलत हो गया तो मेरी तो जिंदगी खराब है फिर। हाँ मैं तो जिंदगी में लेना देना कुछ ही नहीं है, मैं तो पढ़ पढ़ाई क्यों रहे हम लोग। हाँ हो ना हो गलती किसमें है? स्ट्रक्चर में। ये तो परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये बिल्कुल सही कह रही निकिता जी कि गलती इसमें नहीं है, गलती स्ट्रक्चर में, ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है। इधर भी कुछ लोग कह रहे हैं यस सर ही कहे जा रहे हैं बस, भाई कुछ नहीं कह रहे। वो भी आधे घंटे पहले कहा होगा जो उन्होंने पूछा था ना। हाँ ये देखो ये फायदा है ऑनलाइन ऑफलाइन का, ऑफलाइन इज ऑलवेज एक्टिव। क्लास में कई बार देखा होगा आप इधर उधर भटकने की सोचोगे भी तो सोच नहीं पाते हो आप, कुछ ना कुछ हमेशा आपके पास रहता है जवाब देने के लिए, और आप उसमें उलझे हुए रहते हो, ठीक है ना, सोचते रहते हो। ये अच्छी चीज़ है कि आप क्लास में प्रेजेंट रहते हो, इस वजह से ये स्ट्रक्चर गलत है। और ये स्ट्रक्चर इंदु जी आप ही नहीं पूरी क्लास ही गलत बता रही है, और हमेशा ये मैंने अधिकतर देखा है 99% ये आंसर गलत ही आता है, 99% अधूरा देते हैं लोग जवाब। अब कभी कोई आपसे स्ट्रक्चर पूछे प्रेजेंट सिंपल का, एफर्मेटिव का, तो आप क्या बताएंगे?
सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और फर्स्ट फॉर्म में रोहित दो का एक हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस भी आ सकता है। अच्छा अब देखो यहाँ अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आंसर मुझे पता था, तो मतलब बात ये होता है कि नॉलेज होना और उसको एक्सप्रेस करना, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। आप समझा नहीं पाते कई बार अपनी बात को, और टीचर को से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चेक करने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी नॉलेज है, आप क्या करके आए, वो एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट देखा जाता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और ओ एम पी टी। अब दिव्या पूछेंगे ओ एम पी टी क्या होता है, एक्सक्यूज मी ओ एम पी टी क्या होता है, ये ओम प्रकाश ठाकुर तो नहीं होता, ओम प्रकाश टेलर भी नहीं होता, ये कुछ और ही है ना, अरे अब याद कर लेते लोग ओम प्रकाश ठाकुर। हाँ क्या क्या होता है, देखो एस क्या है, हाँ एस क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा सेंटेंस में आपको, अब क्वेश्चन पूछो कौन, किसने, काम किसने किया, मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग, बेसिक क्लास है, शुरू में पढ़ा रहा हूँ, हर टेंस में ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरी ग्रामर बाकी आगे वाली वो सब इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, यहाँ पर बेसिक क्लियर करके चलो। एस मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला, जिसको आप जानते होंगे, जो कार्य कर रहा है। अगर आपको ढूंढना है सेंटेंस में तो आप क्या करेंगे, आप वर्ब के साथ क्वेश्चन रखेंगे हु, किसने किया, कौन करने वाला है, तो वही सब्जेक्ट है। वी यानी होता है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्या कार्य हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है वो चीज़ है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है हिंदी में, कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना हो तो क्वेश्चन पूछो व्हाट या हुम, क्या वह किसको, क्या वह किसको, ये प्रश्न पूछोगे तो जवाब आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एम मीन्स होता है मैनर, मैनर यानी तरीका, कोई काम कैसे हुआ, कैसे, हाउ, तो जवाब आएगा वो मैनर होगा। पी यानी प्लेस, प्लेस मतलब कहाँ, वेयर, स्थान, स्थान की बात करेगा। और टी मीन्स टाइम, टाइम कैसे पूछोगे आप, व्हेन, कब, कोई काम कब हुआ, ये पूछना हो तो टाइम आ जाएगा। अब सुनो, आप में इसको जानता हो, एम पी टी क्या होते हैं रूबी, एम पी टी मैनर प्लेस टाइम एडवर्ब होते हैं, क्या होते हैं ये, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ, सात आठ प्रकार पढ़े थे अपन ने उसमें, ये थे फिर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना, एडवर्ब ऑफ कई थे उसके अंदर, क्वांटिटी बताने वाले, और ये तो ये बेसिक बात पता चल गई। सुनो गाइज गाइज गाइज, ये स्ट्रक्चर है, बदलेगी तो केवल क्या, वर्ब बदलेगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, ये तो लगभग लगभग सब में होंगे। अगर कोई आपसे पूछे प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, आप तुरंत बोलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अथवा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, कंटिन्यूस की अलग होगी, परफेक्ट की अलग होगी, सब्जेक्ट सब में होगा, ऑब्जेक्ट सब में होगा। अब ये सब लिख लिया आप लोगों ने, अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है आपके लिए, एक बार रुक जाओ थोड़ी देर लिख लेना एक साथ ही, पहले इंजॉय करो इस चीज़ को, आप मेरी तरफ देखते रहने चाहिए, बोर्ड की तरफ देखते रहने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा साहब फर्स्ट फॉर्म तो कहाँ यूज़ करें और फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज़ करें, अब वो जो दो चीज़ दिमाग में आ रही थी वो यहाँ पर आएगी। तो रोहित क्या इनका क्या चीज़ है, आई वी यू दे, अब देखो इसको, ये तो अपना देसी तरीका है बताने का, जो इंग्लिश की ऑथेंटिक बुक्स हैं वो कहती हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। किताबों में देखोगे ना तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ ही आएगा, मैं
इसको एक ट्रिक से समझाऊंगा, आपको कभी भूलने की वो नहीं रहेगी इसके अंदर। आई वी यू दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उन सबके साथ, और फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, और सेकंड पर्सन यू। देखो आई सिंगुलर होता है, आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। यू क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों होता है। तुम क्या कर रही हो, सिंगुलर है, तुम क्या कर रही हो, प्लूरल है। लेकिन यू, मजे की बात यह है, यू हमेशा कौन सी वर्ब लेता है, प्लूरल ही लेता है, हमेशा सारे टेंस में यू प्लूरल वर्ब ही लेता है। आई कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, जनरली प्लूरल लेता है बट कभी कभी सिंगुलर भी ले लेता है। तो यहां पर क्या है, आप ऐसे याद रख सकते हो, बचपन में याद किया होगा, आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है अपने को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सुनो, ये सब्जेक्ट है तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, न लगेगा एस, न लगेगा ई एस। देखो, अच्छा वो मिटा दिया क्या, मैंने मिटा दिया, वो आई लिखा था थोड़ी देर पहले, आई के साथ लव लगाया था, एस क्यों नहीं लगाया, सब्जेक्ट वहां पे आई था। अच्छा अब निकिता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस कहाँ यूज करेंगे आप, निकिता की आवाज नहीं लग रही मेरे को, ये है निकिता की आवाज, यस बोल निकिता। ही शी इट किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, आगे बोले, बस किसी व्यक्ति का नाम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ए बॉय नाम तो नहीं है बट फिर भी सिंगुलर है, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। लिखने की जल्दी लग रही है, आप लोग हाथ कांप रहे हैं आपके लिखने के लिए, थोड़ा और रुक जाओ, उनको कहो बेटा थोड़ी देर रुक जा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे प्लूरल के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस, ही शी इट नेम एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर ही आ गया तो एस और यस लगेगा, लेकिन एस लगेगा कि ई एस लगेगा ये पता कैसे लगेगा सपना जी, नहीं पता रूबी, ये पता कैसे ले, अगर सब्जेक्ट ही आ गया तो आप ई एस लगाएंगी कि एस लगाएंगी, ये इसके बाद की बात है। अगर सब्जेक्ट ये हुए तब तो न तो एस लगेगा न ई एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट ये हुए तो लगेगा एस और ई एस। रूबी, हाँ रूबी बताने वाली थी, एस कब लगेगा ई एस कब लगेगा ये पूछ रहा हूं मैं। काजल जी, कौन सा वर्ड देखोगे सेंटेंस में, लास्ट नहीं वर्ड कौन सा देखेंगे, कई वर्ड होंगे, 20 वर्ड होंगे सेंटेंस, हाँ पर्टिकुलर जवाब दो, वर्ब, वर्ड भी कौन सा, वर्ब के, बोलने दो काजल को पूरा करने दो, जेड या डबल जेड, डबल जेड होता है। देखो आप यहां देखोगे वर्ब, वर्ब देखोगे, वर्ड नहीं वर्ब, वर्ब्स एंडिंग इन एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स डबल जेड, अगर ये हो तो लगाओगे आप ई एस, अगर ये नहीं है तो जितने भी बाकी की वर्ब है रिमेनिंग वर्ब्स उनके साथ क्या लगाएंगे हम, एस। अभी खत्म नहीं हुई बात, अब शुरू हुई है बात, जिन वर्ब्स के अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच ओ एक्स डबल जेड आ जाए, तो क्या लगाना है अपने को, ई एस लगाना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि उस वर्ब में डबल जेड आता है, जैसे बज है, बज, किसी वर्ब के लास्ट में बज आ जाए, एस लगाओगे ई एस लगाओगे, पहले देखोगे सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो एस लगेगा ई एस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, अगर सब्जेक्ट वी हुआ प्लूरल हुआ कुछ नहीं, कब लगेगा एस और ई एस,
जब सब्जेक्ट क्या होंगे, ही शी इट नेम कोई सिंगुलर। बस के अलावा और कितनी वर्ब जानते हैं इसके लास्ट में डबल जेड आता है? सोच तो ऐसे रहे, थोड़ी देर में बताएंगे दो चार शब्द। लेट मी थिंक, टेक योर टाइम। शुड आई वेट फॉर यू गाइस? नो, नॉट एट ऑल, डोंट होप। हाँ, डबल जेड की वैसे नियम कठिन भी हो रहा है और कुछ इसकी वर्ब है भी नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं। क्यों याद करें इसको डबल जेड से? मुझे भी याद नहीं इसके अलावा, देखो बस के अलावा। हकीकत ये है, मुझे खुद को ही नहीं पता। एक्स वाली वर्ब तो पता होंगे आपको, जो कौन कौन सी वर्ब लास्ट में एक्स आता है, मई पाल। गुलाब जी आप बता दो, बोल दो बोल दो, एक्स लास्ट में होना चाहिए वो वर्ब बता दो। बबीता तुम्हें याद आ रहा है कुछ? याद तो आ रहा है तुम्हें, बोल नहीं रही हो तुम। इंदु जी अभी नहीं आ रहा। निकिता जी, रूबी, किसी को याद नहीं आ रहा? रोहित, ऑक्स दिख रहा है आपको, याद आ रहा है? सबको ऑक्स याद आ रहा है? बार बार नहीं आ रही है, नहीं। फिर सोचते हो फिर क्या याद आ रहा है? फिर ऑक्स ही याद आ रहा है। ज्यादा तो फॉक्स आ रहा होगा, बॉक्स भी आ रहा हो सकता है। हाँ, ये वर्ब्स नहीं है, क्या है ये? नाउन। वर्ब होती है जिनके अर्थ में था खाना पीना धोना सोना रोना मिलाना। मिलाना क्या होता है? मिक्स। और मिक्स में क्या है? एक्स। तय करना, उसकी शादी तय हो गई, हिज मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, तो फिक्स में एक्स आता है क्या? फिक्स, फैक्स, मिक्स, रिलैक्स। जिन वर्ब के लास्ट में एक्स हो, कितनी है? तीन चार पांच। इससे भी नियम ये कठिन ही हो रहा है, छोड़ दो। याद क्या करें फिर? एस और डबल एस दोनों में एस तो है ही आखिरी में, कम याद करो ना। एस एच और सी एच दोनों के लास्ट में क्या है? एच और ओ। एक्स और डबल जेड तो वैसे ही बहुत कम आते हैं, ऐसा बोल के इसको याद भी कर लो। जिन वर्ब्स के लास्ट में एस एच ओ आ जाए उनमें ई एस लगाना है। विकास, एस एच ओ क्या होता है? कभी सुना है एस एच ओ आप लोगों ने? बताओ क्या होता है? अरे कुछ तो पता करो यार तुम लोग। पुलिस थाने का सबसे बड़ा अधिकारी, उसे सी आई अलग चीज होती है, एस एच ओ अलग। एस एच ओ एस आई भी हो सकता है, सी आई होना जरूरी नहीं है, अलग अलग। सी आई तो होता है सर्कल इंस्पेक्टर, कोई भी हो सकता है सर्कल इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी भी हो सकता है सी आई तो। एस एच ओ होता है, फुल फॉर्म बताया किसी को एस एच ओ की? जिंदगी में ज़्यादा कुछ किया नहीं आप लोगों ने, लग रहा है ऐसे ठीक चल रहा था काम आज तक, काम अटका भी नहीं आपका देखो आप मजे के बाद, और आगे भी नहीं अटकता शायद, जिंदगी चलती रहती है ऐसी। एस एच होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, किसी भी स्टेशन का हाउस ऑफिसर होता है एस एच ओ, पुलिस थाने का सबसे बड़ा अधिकारी, थाने का सबसे बड़ा अधिकारी। तो वो टू स्टार भी हो सकता है, थ्री स्टार भी हो सकता है, कोई डिप्टी उप्टी भी हो सकता है। तो एस का मतलब क्या है दोस्तों? एस और डबल एस। एस का मतलब क्या है? एस एच और सी और ओ, और कौन सी दो हैं जो ज़्यादा यूज नहीं होती? अरे यार याद ही हो गए, तो क्या क्या वर्ड हो गए? एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स डबल जेड, इनमें क्या लगाना है अपने को? ई एस। भाई साहब थोड़ा इधर हो जाओ आप, थोड़ा सा गुलाब जी इधर हो जाओ आप, आराम से ले झुक झुक के, और इधर हो जा रहा हूँ। यस आप दिख रहा है थोड़ा सा सही विजिबिलिटी। एस एच ओ एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स डबल जेड, ये आ जाए तो ई एस लगाना है। लेकिन कब लगाना है ई एस? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, सिंगुलर नहीं है तो ना एस लगेगा ना yes। और बाकी वर्ब में एस लगाना याद रहेगा आप लोगों को। तो एक वापस देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस भी आ सकता है।
फर्स्ट फॉर्म तो कब लगती है? आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और फर्स्ट फॉर्म एस और एस कब लगता है? ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है ना। अब एस लगेगा कि एस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो? फिर आप क्या देखोगे? वर्ब देखोगे। पहले आप नाउन देखोगे, प्रोनाउन देखोगे, बाद में क्या देखोगे? अगर ये सब्जेक्ट हुए तो वर्ब देखोगे, भाई वर्ब के लास्ट में क्या है। अगर वर्ब के लास्ट में एस एच ओ आ जाए तब तो ई एस लगाना है, अदरवाइज क्या लगाना है? एस लगाना। अब इसको आप तसल्ली से लिख लीजिए। फिर आगे एक थोड़ा ट्रिक बताऊंगा ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब वाली, जो पूरे टेंस में काम आ जाएगी आप लोगों के। और किसी को याद आ रहा हो तो ऐसी ट्रिक मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बार बहुत पहले आपको वीडियो देखने के लिए कहा था, उसमें भी बात हुई थी। लिख लिया आप लोगों ने? आगे चले राजकुमार जी। देखो ये जो वर्ब वाला चक्कर है ना, ये पूरे टेंस में पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब कौन सी है। तो इसका एक जो पूरा मामला है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ शुरू में ही। देखिए आप बताइए, पेन और पेन्स, ये वर्ब है कि नाउन है? वर्ब है कि नाउन है? वैसे पेन नाउन होता है, पेन वर्ब भी हो जाती है, कई बार वर्ब भी होती है, पेंड पेन होता है, बट यहाँ पे नाउन है। नाउन में एस लगाने से नाउन्स प्लूरल हो जाते हैं, पता है आपको? तो ये वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर। और ये वाला नाउन कैसा है? प्लूरल। अच्छा, गो और गोज, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है? उल्टा होता है, वर्ब में उल्टा होता है। नाउन में एस लगाने से नाउन क्या बन जाते हैं? प्लूरल। और वर्ब में एस लगाने से वर्ब क्या बन जाती हैं?
बहुत गजब की चीज है, बहुत गजब की चीज है। नाउन में एस लगाने से नाउन प्लूरल होते हैं और वर्ब में एस लगाने से वर्ब क्या होते हैं? सिंगुलर। एक और तरीका देखिए इसके अंदर भाई, देखो दो तरह की वर्ब होती हैं, एक तो सिंगुलर वर्ब होगी और एक कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब में क्या होता है? सिंगुलर वर्ब में क्या होता है? तो जितनी भी वर्ब सिंगुलर होंगी उन सब में क्या लगेगा? एस। वर्ब में एस लगता है, नाउन में एस लगने से प्लूरल हो जाती है, वर्ब में एस लगने से वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर। अब वन बाय वन बात करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं विकास आपसे। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, जिसको पहले जमाने में प्रेजेंट डेफिनेट भी बोलते थे, वो भी ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? वर्ब कौन सी आती है? सब्जेक्ट मत बोलना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब कौन सी आती है? अरे यार, तो पढ़ाने से फायदा क्या हुआ? क्या कहना चाह रहा है? लग गया, अब सही बोल दिया। अभी थोड़ी देर पढ़ाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसको याद कर लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और फर्स्ट फॉर्म में। अब तक हम बोलते आ रहे थे फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एसओरीएस, अब दोनों चीजें बोलनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसओरीएस भी आ सकता है। अब देखो ये लिखने की चीज नहीं है, ये फालतू का पेज है समझाने के लिए, ये यहां सेट होना चाहिए और हो जाएगा, आई कैन अश्योर यू। पहला टाइम से थोड़ी देर पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इन दोनों में से कौन सी वर्ब सिंगुलर है विकास? सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है? एस। तो ये वाली वर्ब कौन सी हो गई? सिंगुलर है। और ये वाली वर्ब कौन सी हो गई? प्लूरल। जिसमें एस और एस लगता है वो सिंगुलर होती है। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो महिपाल, इसी सेंटेंस का, तो नेगेटिव क्या बनता है? अभी तो एफर्मेटिव पढ़ रहे थे हम लोग, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव। सुना नहीं मुझे आपने क्या बोला? नॉट लग जाएगा, जैसे मैं आम पसंद करता हूं तो क्या बोलूंगा मैं? आई लाइक मैंगोज। और मैं आम पसंद नहीं करता। मैं आम पसंद नहीं करता, आई नॉट लाइक मैंगोज। क्या बेहतरीन अंग्रेजी, समझ में आ गया आपको? आई नॉट लाइक मैंगोज, समझ में तो आ गया आपको, लेकिन आई नॉट लाइक मैंगोज। बट जो ग्रामर के स्टूडेंट बैठे हैं अगर क्लास में, जो ग्रामर समझते हो, वो कहेंगे अरे क्या बकवास अंग्रेजी बोल रहा है, घटिया अंग्रेजी बोल रहा है, लो स्टैंडर्ड इंग्लिश, लो स्टैंडर्ड इंग्लिश है भाई। आई नॉट लाइक मैंगोज, ये नेगेटिव नहीं होगा राजकुमार जी, क्या होगा फिर नेगेटिव? मैं आम पसंद नहीं करता, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अकेला नॉट नहीं आएगा बेटा, नॉट। सुनो अब एक लॉजिक पकड़ के जाओ आज की क्लास से, अगले खूब दिन काम आएगा आपके, खूब मतलब परमानेंट बैठा लो यहां पे। नेगेटिव सेंटेंस नॉट से बनेगा, नॉट कभी भी अकेला, हमेशा किसके साथ में आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। किसके साथ में आएगा मैडम? किसके साथ में आएगा? नहीं मैं ऐसे पढ़ाऊंगा अब आपको, पढ़ाए क्या जी मास्टर यार, मतलब मैं ढीला ढाला रह सकता हूं क्या बताऊं यहाँ पे? आपको पसंद ही नहीं आऊंगा मैं। सेम आपके साथ में है। स्टूडेंट क्या होना चाहिए क्लास में? अलर्ट होना चाहिए। साहब हम कई घंटों से पढ़ रहे हैं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं टीचर के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो आलसी होकर पढ़ा ले क्लास में, तो बच्चा तो पहले से आलसी बैठा हुआ है, वो तैयार बैठा है वो तो उबासी लेने के लिए, तो मौका तो दे, हम तैयार बैठे हैं साहब, थोड़ा सा अलर्ट रहो एज ए स्टूडेंट, कड़क अलर्ट। पर्पज भूल जाते हो बीच बीच में आप लोग, आंखें जो अब क्या, अब क्या, अब ये ग्रैब करना है, वो ग्रैब करना है, ये लेना है,
उसी के लिए तो आते हैं हम लोग। खूब इंजॉय करो क्लासेस को, जवाब दो, एक्टिव रहो। एनीवेज, तो अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा, और नॉट कभी भी अकेला किसके साथ में आता है? हमेशा। तो इसलिए जैसे कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ आता है हमेशा, अरे दोनों दोस्त है भाई, ऐसे ही नॉट के दोस्त होती हैं हेल्पिंग वर्ब। कितनी दोस्त होती हैं इंदु नॉट के? एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 24 होती हैं। तो 24 क्या है? एग्जैक्ट है। अरे 24 बोल दिया तो एग्जैक्ट है ना। आप ही बोलती 20-22 होती हैं साहब, 20 से 25 के आसपास होती है, 25-30 वो होता है एक, है ना, ऐसे एक रफ आइडिया अप्रॉक्स। हाँ, तो एक रफ आइडिया है साहब, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट हाँ 24 होती है। मैं कल परसों आपको मॉडल की क्लास में बता रहा था कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, 24 होती हैं। आप गुलाब अपनी क्लास शुरू मानना 10 से, कि मैंने मेरी क्लास 10 से शुरू की, ठीक है ना। पहला टॉपिक आपका 10 से, सारे टॉपिक होंगे आपके आपके बाद, ठीक है ना। जो दो दिन बाद आएगा उसके भी सारे होंगे, एक महीने बाद आएगा उसके भी सारे होंगे। ये तो जो पुराने बच्चे सब जानते हैं, क्लास के बाद मुझसे मिल भी जाना एक बार, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे नॉट आएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता। टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी बताई इंदु जी ने? 24। वो सही आइडिया है। 13 तो मॉडल होते हैं और 11 होती है प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलते हैं उनको एक्चुअली में, जो टेंस में यूज होती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है देखना आप, ये जो स्ट्रक्चर देखा ना आपने, इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या आपको? नहीं है। एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। और ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो एफर्मेटिव में नहीं होती, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए काम में आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं इंदु जी? नहीं। दिव्या जी? नहीं पता। काजल? माय गॉड, सल्यूट। ये होना चाहिए जवाब, डमी ऑपरेटर। कल परसों पढ़ाया था आपको मैंने, नीड और डेयर डमी ऑपरेटर होते हैं। लाइन लिखवाई दिव्या आपको ही मैंने? अरे लिखवाई होगी, अपने लिखवाई, मेरे लिखवाई, याद कर लो। और जो रोजाना पढ़ाया जाता है उसको याद होना चाहिए। और खुद सेल्फ ऐसे महसूस करते रहो, नहीं यार वो मज़ा नहीं आ रहा जो मुझे पढ़ के आने में आएगा मज़ा, नया कुछ नहीं, मत पढ़ के आओ, जो पढ़ा दिया गया वो याद होना चाहिए। ये फर्ज है स्टूडेंट का, ड्यूटी होती है, यू आर सपोज टू डू दिस। हेल्पिंग वर्ब डमी ऑपरेटर है डू, डज और डिड, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज, ये आते किसके लिए? नेगेटिव के लिए या फिर इंटरोगेटिव के लिए। डू और डज एफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव में आती है। अब बताओ डू सिंगुलर है कि डज सिंगुलर है? पता कैसे चलेगा? एस और यस देख के। जिसमें एस और यस होगा वो सिंगुलर है, और जिसमें एस और यस नहीं होगा वो प्लूरल है। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। निकिता आप बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? इज, एम, आर, कुछ और बोल रही हैं आप? इज, एम, आर आती है। निकिता इनमें तीनों में किसी में एस दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। चश्मे वाले दिखाई दे रहा है किसी को? उसको दिखाई दे रहा है इज में। चश्मे, बिना चश्मे बैठी पाँच में अकेली, कैसे दिखाई देगा तेरे को? तेरे आसपास सारे चश्मे वाले हैं, एक भी मेरा चश्मे वाला नहीं देख ले। और ये सब पढ़ने वाले हैं ये, देखो मुझे सारी लड़कियाँ चश्मे वाली है, एक के अलावा तुम्हें दे रहा चश्मे वाली, इधर आ जाओ। मुझे लड़कियों बैठना पसंद नहीं है, करता हूँ, देख ला अब पता चल रहा, धीरे 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 एहसास हो रहा है। शौक होते है कि आप किन के बीच बैठते हो, किन के साथ खेलते हो, ठीक है ना। तो इज, एम, आर, तो इज में एस, अब दिख रहा है तुम्हारे गैस बराबर दिख रहा है? हाँ, इज में एस है। जिसमें एस होगा कौन सी वर्ब होगी, और आर कौन सी वर्ब होगी, और एम कहाँ लगेगा? ओहो ये तो पता है साहब हमारे को,
बचपन से बताया, जहाँ जहाँ आई आया आज तक हमने एम लगाया, टेंस भले कोई सा ही हो। ये बच्चे बोलते हैं आई एम, एम आएगा सर, आंसर फाइनल करो इसको, हमेशा एम नहीं आता, इस टेंस में एम आया। प्रेजेंट कंटिन्यू इज एम आर हो गया। अब उसके बाद अगला टेंस प्रजापद कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है बेटा? हैज हैव, शाबाश। हैज में ऐसे कि हैव में ऐसे, तो जिसमें ऐसे हो कौन सी वर्ब होगी, और जिसमें ऐस नहीं हो कौन सी वर्ब होगी? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद रोहित अगला टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वो पूरा बोलना बेटा, मुझे कम समझ में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा? बीन तो सब में आएगा, तो वहाँ ऑप्शन नहीं है। जो रहे है जो प्रजापत जी पहले बता चुके, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। बबीता जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बाद अगला टेंस कौन सा आता है? पास्ट सिंपल में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस आता है, नेगेटिव थोड़ी पूछ रहा हूँ, सेकंड फॉर्म। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? चक्कर ही नहीं है कोई, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है ना, सबके साथ सेकंड फॉर्म ही आएगी। पास्ट सिंपल के बाद अगला टेंस कौन सा है मोहित? मोहित के महिपाल पूरा बोल रहे धीरे की बात। आप देखो वो व्यवहार करो जो आप दूसरे से उम्मीद करते हो। क्या आप नहीं चाहते आपका टीचर जोर से बोले? तो स्पीक लाउड एंड क्लियर। बेटा कितनी बार समझाऊंगा, एक चीज़ को बार बार समझाने का मौका मत दो, इरिटेशन बढ़ता है। हमेशा स्पीक लाउड एंड क्लियर। अपन घर में नहीं बैठे हैं, बाथरूम में नहीं बैठे हैं कि धीरे धीरे बोलेंगे, किसी को आवाज़ नहीं चली जाए बाहर, या तो आवाज़ जानी चाहिए। बोल क्या जवाब है? पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? ये एटीट्यूड सही नहीं है बेटा, ये आलसी एटीट्यूड है। आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए कम से कम यहाँ तक। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? वॉज, जब आवाज़ है तो बोलो उसको। वॉज सिंगुलर है कि वर्ब सिंगुलर है? कैसे पता चला? एस, जिसमें एस है वो वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर। जिसमें एस नहीं है वर्ब कौन सी होगी? बस इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट, उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, अगले में हेड बीन आता है, फिर फ्यूचर आते हैं विल शैल, वो वर्ब होती नहीं टेंस वाली, वो तो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। यही वर्ब है जिसमें लफड़े पड़ते हैं, सिंगुलर कौन सी प्लूरल कौन सी, और आज वो लफड़ा खत्म हो गया होगा। जिन जिन वर्ब के लास्ट में क्या होता है? एस, वो सारी वर्ब कौन सी होती हैं? सिंगुलर। या तो इस तरीके से याद कर लो, या वैसे याद कर लो, नाउन में एस लगाने से नाउन प्लूरल बनते हैं, वर्ब में एस लगाने से वर्ब सिंगुलर होती हैं। अच्छा, आई के साथ क्या आएगा इन दोनों में से? आई एक्सेप्शन है, आई जो है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। कैसे? सिंगुलर होते हुए भी कई बार कौन सी वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। इस नियम की, ये नियम किताबों का नहीं है, इंग्लिश किताबों का नहीं है, ये बिल्कुल देशी तरीका है, जो आपको बताएगा कि हाँ यार ऐसे मतलब जो टेंस कम समझते हैं उनके लिए ठीक है, कि जिन भी वर्ब में एस लग रहा वो सिंगुलर होती है। आई एक्सेप्शन है, आई के साथ ये नहीं आएगा, ये आएगा। आई के साथ डज आएगा कि डू आएगा? जोर से बोलो भाई, डू। आई के साथ इज आएगा कि आर आएगा? एम आएगा। आई के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा? हैव। आई के साथ क्या आएगा? हैव। आई के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? वॉज। वर नहीं आएगा। आई वॉज देयर, आई वॉज गोइंग। बट आपने आई के साथ वर भी तो सुना होगा, वो क्या है? वो क्या है? हाइपोथेटिकल सेंटेंस, यस, इमेजनरी सेंटेंस। फिर वहाँ आई नहीं, ही हो, यू हो, ही हो, शी हो, सबके साथ क्या लगता है? वर ही लगता है। इफ आई वर, इफ यू वर, इफ ही वर, ऐसे होता है। चलो, ये बात समझ में आ गई आपको, जितने भी सिंगुलर वर्ब्स हैं उन सब में क्या लगता है? एस लगता है, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई, और ये कौन सी वर्ब हो गई? प्लूरल वर्ब हो गई। अब इसके बाद एक सेंटेंस लिखिए आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए।
चारों में से कौन सा आंसर लगाएंगे आप वो देखना है। हाँ जी, कितने लोग कहना चाहते हैं कि इसका आंसर ए होगा, कितने लोग बी कहना चाहते हैं, कितने लोग सी कहना चाहते हैं, एक बबीता ए या सी, कितने लोग डी कहना चाहते हैं, डी कोई नहीं, विकास तुम्हारा कोई जवाब नहीं बेटा, महिपाल, गुलाब, प्रजापत, तो सबका सही है। राजकुमार तुम्हारा गलत हुआ बेटा, एक इसमें सी नहीं आएगा। राजकुमार ने क्या देखा, वो इसको ललचाया गया और बेचारा आ गया, उस डाले में फंस गया। इसने क्या देखा, वॉश में, फिर इसके आंखों के सामने आ गया अंधेरा। इसको केवल दिखा SH कि भैया SH आए तो क्या लगाना है, ES लगा। जबकि पहली शर्त यह है कि पहले आप देखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या अपने पास, आई के साथ वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है ना, एस और ना ई है। अगर यहां पे आई की जगह ही होता तो ही के साथ एस और ईएस आता है। फिर आप देखते वर्ब, वर्ब क्या है यहां पे, वॉश, वॉश में क्या लगा हुआ है, एस एच ओ लास्ट में हो तो क्या लगाते हैं, फिर ही आता है, लेकिन आई के साथ तो क्या आएगा, वॉश आएगा। राजकुमार समझ में आ गया, अच्छा ऑन संडे की वजह से ES लगा, तो मैंने कहा था ऑन संडे की वजह से ES लगाना है, या कहीं तुमने पढ़ा था ऑन संडे तो ES लगाना होता है। अरे तो एडवर्ब तो प्रेजेंट सिंपल की है ना, तो प्रेजेंट सिंपल में तो एस और ES भी आता है, फर्स्ट फॉर्म भी आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये अभी भी उसी बात पर अटका हुआ है कि प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म में एस और ES, जो बबीता ने बताया इनको, ही फॉलोज बबीता। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस और ईएस। अरे फर्स्ट फॉर्म भी आती मेरे दादा, थोड़ी देर पढ़ाया मैंने, देख फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और फर्स्ट फॉर्म में क्या लग सकता है, तुम्हें केवल ये पता है, स्कोर जोड़ लो साथ में। अब फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आप लोगों के? अच्छा, अब एक हिंदी का वाक्य लिखो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। वो बात भी समझ लेते हैं, बच्चे प्रत्येक नहीं, बच्चे रोजाना मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे रोजाना मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, इंग्लिश का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पर लिखवाया था, उसको देख सकते हैं आप। लिख लिया आप लोगों ने, देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा, बताया ना आपको, एस वी ओ सी ए, वो सी ए तो अलग चीज हो गई, एम पी टी, ये जाता है ना अभी, वर्ब कौन सी आती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस,
अब सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस? एस मत लगा देना, चिल्ड्रन इज ऑल ऑलरेडी प्लूरल, अगर लगा दोगे तो ब्लंडर हो जाएगा। अच्छा ब्लंडर मिस्टेक बोलना भी गलत होता है, कई लोग क्या बोल देते हैं? ब्लंडर मिस्टेक, जबकि ब्लंडर खुद ही क्या होता है? बिग मिस्टेक, मिस्टेक तो उसमें ऑलरेडी होता है। चिल्ड्रन, अब इसके बाद क्या है कि वर्ब, वर्ब क्या आती है इसके अंदर? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में अब इन दोनों में से कौन सी वर्ब आएगी? आप देखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अपने पास? चिल्ड्रन। वर्ब मत देखना अभी, पहले सब्जेक्ट देखोगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? देखो प्रेजेंट सिंपल बनेगा, ताया ती आ रहा है ना इसमें, इसलिए प्रेजेंट सिंपल बना रहे हैं हम लोग। अब वर्ब कौन सी है इसमें? खेलना, खेलने क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले में क्या लगाओगे? एस और एस लगाओगे क्या? चिल्ड्रन प्लूरल है, न एस लगेगा ना किसी ने गलती से लगा लिया क्या, ईमानदारी से बताना। फिर लगा लिया रोहित राजकुमार, दिव्या आपने लगाया? अभी हटा लिया, ठीक प्लूरल है, ठीक। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? अरे भूल जाते हो आप, ऑब्जेक्ट यानी क्या, किसको, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। इसका मजा होता है कब, जब बोर्ड बड़ा होता है ना हमारे, ऐसे में से पूरा बड़ा बोर्ड है, पूरी दीवार, इधर स्ट्रक्चर वगैरह लिखे होते हैं, इधर लिखा होता है, तो इधर से उधर सीधे चले जाओ, इसमें भी जा सकते हैं, पीछे बैक करके जा सकते हैं, बट थोड़ा कंटिन्यूटी टूटती है। तो क्या का जवाब क्या आ रहा है? क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद मैनर, कैसे खेलते हैं, हाउ, ओ एम पी टी है ना, मैनर कैसे, हाउ कैसे खेलते हैं? ब्यूटीफुली, इजीली, शानदार तरीके से, स्प्लेंडिडली, कुछ दे रखा है ऐसा इसमें? तो नहीं आएगा, जब नहीं है तो नहीं आएगा। अब देखते हैं पी, पी यानी क्या होता है? प्लेस, प्लेस यानी वेयर, कहाँ, कहाँ खेलते हैं? मैदान में, तो क्या आएगा? इन द ग्राउंड। फिर आएगा टी, टी यानी टाइम, कब, व्हेन, कब खेलते हैं? रोजाना, रोजाना को मतलब डेली। यही क्रम रहना चाहिए इंग्लिश के सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और, ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश बनाना। अब आपको एग्जाम में क्या करना, आपको स्कूल में जब पढ़ाओगे तो क्या करना पड़ेगा, बच्चों को लेसन पढ़ाने पड़ेंगे, इंग्लिश में होंगे, उनको हिंदी करवानी पड़ेगी। आप अगर सरकारी स्कूल में आपका नौकरी लग गई तो, राजस्थान में कहीं भी प्राइवेट स्कूल पढ़ाओगे तब भी इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी तो करनी पड़ेगी आपको, मान लो आप। अरे मैं खुद ही आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, देखो आप, यहाँ अगर फना फन अंग्रेजी बोली जाए तो आधे तो आए नहीं सब, कल से नहीं आएंगे हम तो, फीस लौटा दो हमारे को, हमारे दो चार ही होंगे केवल जो केवल इंग्लिश में कम्फर्टेबल है। ये बड़ी विडम्बना है कि इंग्लिश के स्टूडेंट भी एमए का एग्ज़ाम हिंदी की 150 पढ़ के जाते हैं, तो हिंदी में कहानी सुनाते भाई, हम देख लेंगे अपने हिसाब से क्या लिखना है वहाँ पे। जब आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करोगे आप, बहुत अच्छी चीज़ ध्यान देना बोर्ड पे दिव्या जी, सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थ करोगे, चिल्ड्रन का हिंदी अर्थ क्या होगा? बच्चे, सुनो बाद, इधर देख लो पहले, नाम लेने का मतलब ये है कि मैं आपको रोक रहा हूँ उस काम से, बच्चे। उसके बाद आप सेंटेंस के चले जाओगे लास्ट में और वहाँ से उल्टा अर्थ करते हुए आ जाओ, पहले सब्जेक्ट का अर्थ करो उसके बाद लास्ट में जाओ टाइम पे, और बहुत शानदार हिंदी बन जाएगी। बच्चे, डेली, रोजाना, इन द ग्राउंड, मैदान में, क्रिकेट खेलते हैं, अर्थ हो गया बच्चे, रोजाना, मैदान में, क्रिकेट। मोटा मोटा इससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या अर्थ है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी बनाना सीख गए। ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ये लिखा था आप लोगों ने, ओके। एक दो लोग गलतियां हैं वो सही कर ले। अब आप लिखिए नेगेटिव सेंटेंस,
अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी नेगेटिव में क्या आएगा, नॉट। नॉट कभी भी अकेला किसके साथ में आता है, यहाँ हेल्पिंग और कौन सी आएगी, डू डज। एफर्मेटिव में नहीं थी, नेगेटिव में आई, इन्हें क्या बोलते हैं, डमी ऑपरेटर। शाबाश। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नहीं डू डज आ गया ना बे, डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस और ओके। डू कहां पर आएगा, डज कहां पर आएगा, ये बात बता दी क्या आपको मैंने? हाँ, डज कहां पर आएगा, जिन भी वर्ब में एस होता है वो सारी वर्ब कौन सी होती हैं, और जिन में एस नहीं होता वर्ब कौन सी होती हैं, प्लूरल होती है। तो जो थोड़ी देर पहले सेंटेंस लिखाया था ना पढ़ने, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अभी जो पढ़ा पढ़ने, ये वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, इसको बताइए क्या बनेगा, आप बोलिए मैं लिखता हूँ, चिल्ड्रन डू प्लूरल है ना, डू आएगा, नॉट नॉट आ गया, फिर प्ले में एस और एस लगाओगे क्या, नहीं। क्यों नहीं लगाओगे, प्लूरल है लगाने जरूरत नहीं। अच्छा एक और बताओ, डज में ई एस क्यों लगा, एस क्यों नहीं लगा, डी ओ एस भी कर सकते थे, डी ओ एस क्यों करा, ओ आ रहा है, जिसके लास्ट में ओ होगा उसमें क्या लगेगा, देखो आप डज में ई एस क्यों लगता है, समझ आ रहा है आपको, डी ओ एस भी लिख सकते थे, ओ की वजह से लिख रहे हो, साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है। डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते, क्रिकेट, फिर इन द ग्राउंड, फिर डेली, आप भी लिख लीजिए इसको। अगला सेंटेंस कौन सा होगा वैसे, नेगेटिव के बाद, वो भी हेडिंग डाल ही लेना, हाँ जी। हमने बात की अभी, जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नॉट आता है, नॉट हमेशा किसके साथ में आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब ऐसे ही इंट्रोगेटिव के लिए भी एक कॉमन चीज़ है, जो जानता है बताना मुझे, जब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो आपको दो चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक आप जानते हैं पहले से कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, एक बात और होती है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, कौन बताना चाहेगा, विकास आप बताओ पहले। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है, तो आपका जवाब गलत हो गया मेरे प्रिय दोस्त, ये गलत जवाब। प्रजापत जी आप बताओ, ये है लव यू आंसर, ठीक है ना, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट से क्या बोलते हैं साइंस, इसको इंग्लिश में वैसे हम लोग इनवर्जन, इनवर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वर्ब भी होती है, वर्ब के पार्ट्स है, फिर तो सब्जेक्ट और वर्ब का इनवर्जन होगा, जो वर्ब सब्जेक्ट से बाद में आ रही थी वो वर्ब अब सब्जेक्ट से पहले आएगी, और पहले आने के लिए हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ठीक है ना। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब साथ नॉट लगता है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डू और डज। अच्छा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक डब्ल्यू एच वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बट दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से, मैं यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब वाला बता रहा हूँ, अभी तो डू डज
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस और यस लगेगा क्या इसमें? मैंने कुछ पूछा है? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो पहले ही डज में लग चुका। ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। अगर कोई मेरे क्वेश्चंस की, मेरी बातों को नहीं सुन रहा है, ही हैज टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, डेफिनेटली। लिसन टू मी केयरफुली, आंसर मी केयरफुली, हमेशा एक्टिव रहो, चीज़ों को देखते रहो। मैं बहुत काम की चीज़ें आपसे पूछता हूँ, शेयर करता हूँ, वो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। चलो, इस सेंटेंस का निकिता, इस वाले सेंटेंस का, इस वाले का इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? निकिता को नहीं पता इसका इंट्रोगेटिव? बताओ तो। डू चिल्ड्रन, बस नॉट नहीं आएगा ना। डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड डेली, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन। लिख लीजिए इसको भी आप लोग। ओके, लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा दोस्तों इसका? हाँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव, लिख लीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नाम से लग रहा होगा इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछेगा, नेगेटिव मतलब नॉट भी होगा, तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा, नॉट भी आएगा, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर आएगी? आगे नहीं, शुरू में नहीं, सब्जेक्ट से पहले आएगी। लॉजिकल बात यह है, सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो क्या होगा स्ट्रक्चर इसका? डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, लास्ट में। अच्छा दोस्तों, ये नॉट यहाँ से उठ करके डू डज के साथ भी आ सकता है क्या? आ सकता है, खूब आ सकता है, हमेशा आ सकता है, आता ही आजकल तो। डोंट यू नो अबाउट देम? तो पुराना तरीका था जो बचपन में अपने जब पढ़ते थे ना ज़माने में, ये अपने ज़माने की इंग्लिश है, ठीक है ना। आजकल क्या है कि डू, वो जो हेल्पिंग और नॉट है ना, शुरू में जाते हैं, शुरू में ले आते हैं, है ना। डोंट यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? बल्कि आजकल बोलने वाले इंग्लिश में भी, और मतलब मॉडर्न इंग्लिश में ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को आप साथ में शुरू में भी लिख सकते हो। और बोलने वाले लोग तो बोलते ही ऐसे हैं, डू यू नॉट कोई बोलता ही नहीं है। डोंट यू नो मी, डू यू नॉट नो मी की बजाय डोंट यू नो मी, ऐसे लोग यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क होता है लेकिन लास्ट में, फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर वो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो एनीवेज हो सकता है, बट जनरली स्ट्रक्चर की बात करें, अपने ग्रामर की बात करें, तो पुराना तरीका तो वो तो यही है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अभी जो थोड़ी देर पहले सेंटेंस बनाया बबीता चिल्ड्रन वाला, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड डेली, और लास्ट में क्वेश्चन। लिख लीजिए सभी लोग, सभी लोग लिख लें। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आज की क्लास ग्रामर वाली यहाँ ख़त्म हो गई है। कल स्कोर आगे बढ़ाएंगे, आपको एडवांस पढ़ के जरूरत नहीं है, जो आज पढ़ा दिया उसको अच्छे से याद करके लाना। और मैं एक सलाह और दूंगा आप लोगों को, इसकी जो वर्ब्स है, अगर कुछ वर्ब पता नहीं हो ना आपको,
जैसे 200 ऐसे वर्ब मैंने मेरी किताब में भी दे रखी हैं, आपके पास कोई और छोटे बच्चे किताब हो 8वीं की 10वीं की, उसमें वर्ब्स की लिस्ट दे रखी हो इरेगुलर वर्ब्स की स्पेशली? एक तो रेगुलर वर्ब होती है जिनमें ईडी लगता है, एक होती है इरेगुलर वर्ब कि जैसे गो वेंट गॉन होता है। आप देखोगे 200 ऐसे वर्ब होंगे उसमें, आप जब चेक करोगे तो आपको सारी आती होंगी, केवल 8-10 नहीं आती होंगी, किसी को 5 नहीं आती होंगी, किसी को 2 नहीं आती होंगी, उनको पढ़ लेना एक बार देख लेना, ठीक है? ये काम आप कर लेंगे और ये करेंगे। अब ऑनेस्टली बताएं कितने लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन, सब हमने 3 दिन से हम देख रहे थे, याद किया था, याद नहीं हुए, हम नहीं सुना पा रहे, वो अलग बात है, बट यस वी वर्कड हार्ड। कितने लोग हैं? तीनों तो आप साथ बैठने लगी हैं तो आपकी जैसी आदत होगी अच्छी बात है, बबीता कल से आप इधर बैठो, ठीक है ना? चौथी लड़की जुड़ जाओ उनके साथ में। तो ये 4 लड़कियों ने किया है, बॉयज़ ने किसी ने नहीं किया, जो नए लड़के लड़कियाँ हैं वो सब बागी हैं, वो अभी रिदम में आ नहीं रहे, बट आई होप कि अब अगले टॉपिक्स आ जाएंगे तो वो मैं छोड़ दूँगा आपके भरोसे। अब मैं 10 मिनट पूछूंगा आपसे कल क्या करके लाना, पहले बता देता हूँ आपको। एक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, एज आई प्रोमिस्ड यू कि हम बात करेंगे इसके ऊपर, प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। प्रपोजिशन हमने हाल ही में ख़त्म किया था, जो पुराने स्टूडेंट जानते होंगे। तो फ्रेजल वर्ब का ओनली 2 वीडियोज़ आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, वही वापस नया स्टूडेंट आज गुलाब, केटी सर इंग्लिश है तुम्हारे पास पहले से? नहीं है तो इस पर जाना, इस पर फ्रेजल वर्ब एक बार प्रजापत इसकी मदद कर दो आप, फ्रेजल वर्ब ये वीडियो मैं भेज भी दूंगा ग्रुप में, बट ग्रुप में ये तो होगा नहीं नए स्टूडेंट। तो जैसे छुट्टी का मैसेज किनके पास पहुंचा था, किनके पास नहीं पहुंचा था, अब वो कोचिंग से भेजा गया था तो उन्होंने बता दिया आपको। अच्छा हाँ ठीक है, और सबके पास पता लगा भाई ये नए स्टूडेंट थे, आपको शायद कोचिंग चला गया होगा, ग्रुप में जुड़े हो आप। इसका क्या आंसर है मुझे पता नहीं है, आप ग्रुप में जुड़ी हुई मेरे वाले ग्रुप में, ये क्या था? उन्होंने मैसेज कर दिया था, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था सुबह कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, तो कई स्टूडेंट निकले आए। तो फ्रेजल वर्ब, वर्ब में क्या लगते हैं? प्रपोजिशन लगते हैं, वर्ब में प्रपोजिशन ऑन, कई बार उनको हम लोग ना पार्टिकल्स भी कहते हैं, जो प्रपोजिशन ऑन जैसे ऑन ये ऑफ है, कुछ है अपवर्ड है बैकवर्ड है, इस तरह जुड़ते हैं कुछ वर्ड्स, अवे है। फ्रेजल वर्ब वो उसमें समझा रखा है पूरा, आप 50 क्वेश्चन एक में है, 50 क्वेश्चन एक में करना कैसे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया और उसके आंसर में आना है गिव अप, आंसर आ रहा है उसका, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, आप देखना चारों ही कई बार तो फ्रेजल वर्ब होंगे, उनमें से एक आंसर लगाना है, लेकिन आपको उन चारों का मतलब पता होना चाहिए, मतलब चारों को पता होना चाहिए। तो भले ही 100 क्वेश्चन है पर ऑप्शन कितने हैं 4, तो 400 मतलब 300 200 250 तो पक्का मानूंगा। ये फ्रेजल वर्ब की वो लिस्ट आ जाएगी आपके पास, वो पेपर वो करते ही जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मजे की बात ये भाई, फ्रेजल वर्ब पे 4 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, मोटा मोटा आइडिया है ये, 4 × 8 8 मार्क्स के फ्रेजल वर्ब हैं, एक दिन में याद नहीं होंगे, करने पड़ेंगे आज से याद आपको, ठीक है ना? तो आपने वो गिव अप लिखा, अब गिव अप का कितने लोगों को मतलब पता है, बहुत सिंपल सा पूछा है मैंने। रूबी बताइए, छोड़ना या त्यागना, तो इंग्लिश में मतलब लिखना है इसका, एक तो जो करना है काम आप कैसे करना है टू सरेंडर, और फिर हिंदी लिख दिया आपने। अच्छा गिव अप को अगर आप मेरी बुक से पढ़ोगे तो पता लगा वहाँ पे 3 अलग अलग फ्रेजल वर्ब है, 3 अलग अलग है, छोड़ना है त्यागना। राजकुमार जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा हंसी आ रही थी आपको, कुछ फनी चल रहा है, बताओ बताओ मुझे बताओ, शेर तो यार दोस्त बड़ा, किसी को हंसा देगा तो पाप नहीं पुण्य मिलेगा तेरे को, बता क्या बात में सरा था, तभी हंस रहा है वो, बुक तेरे पास नहीं है इसलिए हंस रहा है। कोई भी बुक हो आपके पास जिसमें फ्रेजल वर्ब हो वहाँ से लिखो आप, या फिर वीडियो में बताए रखा है मैंने सारी बातें, उसका मीनिंग इंग्लिश में भी होगा, नहीं तो आप डिक्शनरी से मोबाइल चेक कर लेना।
बुक से देख लेना, आपको किताब से देख लेना, किसी चीज़ से देख लेना, ये हो गया। अब फिर से बात एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, जैसे यू शुड गिव अप स्मोकिंग एक एग्जाम्पल हो। ऐसे चार अलग अलग फ्रेजल वर्ब हैं, उनके ऐसे मीनिंग लिखने हिंदी इंग्लिश और एक एग्जाम्पल। ये नोट्स में लिखोगे आप, ये काम करोगे वर्ड फॉर्मेशन के बाद, अगर वो पूरा कर लिया है, पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं आप लोगों ने तो, और कर भी लिए होंगे, एक महीना पढ़ाया आपने, मुझे लग रहा है वो तीन चार हफ्ते पढ़ाया आप लोगों ने, और जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ेगा, उसने ठान लिया है कि मैं ठीक है याद नहीं करूँगा। जो कर सकते हो करते रहो। फ्रेजल वर्ब पे कल बात करूँगा मैं, है ना, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अगले आपके नोटबुक से मैं पूछूँगा। ये काम आपको कल से शुरू करना है फ्रेजल वर्ब का। अपने ग्रुप में भी वीडियो कोई आप में शेयर कर देना, वो भी आप शेयर कर देना, ठीक है ना। तो दो वीडियो हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, उससे काम हो जाएगा। हैं ग्रुप सी में क्यों जाना है तुम्हारे को, ग्रुप डी है अपना। तो तुम बी बैच में, तो तुम सी में क्यों जाओगी। व्हाट्सएप अभी जो नया ग्रुप बनाया 2024 वाला सी है वो, तो सी में तुमने नाम पुराने पुराने हो ना तुम, तो चलो तुम उसमें भेज देती हो, तुम इसमें हो नहीं, तुम्हें जो होने जरूरत मैं भेज दूँगा उसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। वो थोड़ी देर में चले जाओगे, फिर तुम्हारे मैसेज आते रहेंगे आज क्लास नहीं है, मुझे क्या मतलब आज क्लास में तो आ गई छोड़ के, वो चक्कर पड़ा था ना, तो खत्म हो गया, वो क्यों आएंगे उसमें। अब ये दिक्कत ये रहती है कि भाई बच्चे जुड़ते रहते हैं ना, तो उनको बी में डालें कि सी में डालें, एक पूरा बैच खत्म होने के बाद डालने में थोड़ा सही रहता है। बट चलो एनीवेज ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे वर्ड फॉर्मेशन के सफिक्स की, 5 मिनट और बात कर लेते हैं। सफिक्स नाउन से वर्ब, अभी किसी को याद नहीं आ रहा था, ये कितनों को याद है। बबीता नोटबुक दो अपने, जिसमें फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन आपने भी लिखा है, कुछ ए लिखा है, बी लिखा है, एक अलग नोटबुक बनाओ इसके, है ना। गुड, आपने शुरू कर दिया। आपने मैडम कुछ लिखा, कब लिखना शुरू करोगे आप, ये टॉपिक शुरू करोगे आप, आपने अब तो एग्जाम हो गए तुम्हारा, तो लिख ले बेटा, तो 3-4 दिन तुम्हारे पास, बीमार हो गई थी। दो आप दो मुझे, लास्ट वाले पूछना चाह रहा हूँ। आपने टेबल फॉर्मेट में नहीं बनाया गया इसको, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, और वो आप चाहती नहीं कि पेज भरे ज़्यादा आपके, आप क्यों मना करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता मेरे को पेज भरना है। और बच्चों को बोलती हूँ कि स्कूल में साफ साफ लिखो, दूर दूर लिखो, नए पेज चढ़ो, खुद नहीं करती, लेकिन नहीं, वो मज़ा उसमें नहीं आएगा जो उसमें है ना, वो टेबल फॉर्म में वो नोट्स बनाए इसी वजह से मैंने, मैं बहुत खुद बहुत पहले सोचता हूँ कि मुझे कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, तो साइंटिफिक तरीका है वो। पर चलो जैसे आपको याद होता है वैसे, ए टी ई लगने से, या आपने कॉजिटिव लिखा है क्या, इसका मीनिंग है कि क्या है, पता चला था कॉप्स में ऊपर मीनिंग लिखा होता वो काम हो जाता। टेबल है, और अगर ए टी लगता है तो इट्स नॉट अ गुड वे, ये शायद इसके सामने मीनिंग होगा, अब नाउन का वर्ब इधर था तो कंफ्यूज करेगा आप, इसलिए कहता हूँ सर्वण वाली बात सुन लिया करो आप, टीचर को फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ, वो लगाना है तो सेल्फ स्टडी करो, और कम मेहनत करके जल्दी पास होना है तो फिर टीचर पे भरोसा करो और उस पर सौंप दो कि भाई तू जो पढ़ाएगा, तू जो बताएगा, वो करेंगे। और मैंने बहुत देखा है होशियार लोग, मैं उनमें से एक हूँ, आई एम वन ऑफ देम, जब हम पढ़ते थे अपना दिमाग लगाते थे इसलिए नौकरी नहीं लगी, इसलिए जॉब नहीं लगी, होशियार तो खूब थे हम भी, और ज़्यादा होशियार होना भी गलत हो जाता है। उस पहले तो लिखना था तो उसमें वही फॉर्मेट करना था अपने को, मैंने बुक में भी वही फॉर्मेट दिया है, इसमें भी ये फॉर्मेट टेबुलर फॉर्म होना चाहिए था ये। चलो तो ए टी ई एक है जिसमें जैसे
ऑर्केस्ट्रा से ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रेट मतलब ऑर्केस्ट्रा तो एक नाउन है जिसमें वो लोग जो एक साथ गाते बजाते हैं, म्यूजिक प्ले वे सब होता है वो। ऑर्केस्ट्रेट मतलब ऑर्केस्ट्रा के थ्रू गाना गाना, सब मिलकर के गाना गाना, लास्ट में नहाना चाहिए ना, खाना पीना धोना। इसमें क्लोरीनेट है, आप तो साइंस के स्टूडेंट आप जानते हैं क्लोरीनेट क्या होता है। नहीं, क्लोरीन तो नाउन है, प्रोडक्ट हो गए, क्लोरीनेट वर्ब हो गई। इस वर्ब का क्या मतलब? शाबाश, ये बोला मैंने वीडियो में है, होटल्स में होता है, जो 5-star होटल्स होते हैं ना, जब उनमें सब्जियां आती है पीछे तो उनके क्लोरीन क्लोरीनेट करते हैं वो, उन सब्जियों को पहले वो क्लोरीन से धोते हैं। आप देखो सब्जियां, आपको नफरत हो जाएगी खाने से। अब ये सब्जी मंडी जाके देखोगे आप, कहाँ रखे रखते हैं, क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं। उनको क्लोरीनेट करना जरूरी है, उनको जर्म्स फ्री करना जरूरी है। तो क्लोरीन नाउन है, क्लोरीनेट क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब आप ध्यान रखना, ए टी कहीं लगा हुआ है, मान लो किसी वर्ब के लास्ट में ए टी लगा हुआ है, मतलब किसी शब्द के लास्ट में, समझ जाओ वो क्या है, वर्ब है। कॉन्ग्रेचुलेट, एटिन्यूएट, क्लोरीनेट, तो ये गजब की जानकारी हो जाएगी। ग्रेट सेकंड में एक टॉपिक आता है पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढो, तो जिस भी शब्द में ए टी लगा हुआ है समझ जाओ वो क्या है, वर्ब है। ऐसे देखो ई एन, लेंथन, स्ट्रेंथन, बोल्डन, ब्लैकन, और कल परसों पढ़ रहे थे हम लोग, ई एन लगने से वर्ब बन जाती हैं। ऑक्शन मत बोल देना, बोल दिया। हाँ, ऑक्शन क्या है? नाउन से नाउन है, वर्ब नहीं है वो, हो जाता है कई बार ऐसा। जेड ई आई जेड ई आई एस ई, आई जेड ई और आई एस ई में तो फर्क नहीं है। आई जेड ई ब्रिटिश सफिक्स है, अमेरिकन लोग उसको आई एस ई लगा देते हैं, और जिसमें वाई है वो जेड ई आई करके जेड ई कर देते हैं, इसलिए वो जेड ई है। तो जिस भी वर्ब में आई एस ई लगाओ, मॉडर्नाइज, वो तो मॉडर्नाइज तो उसमें भी चला गया, एडजेक्टिव में भी है ना, आई जेड ई, सिस्टमेटाइज, मेमोराइज, मेमोरी से मेमोराइज, तो आई जेड ई आई एस ई कहीं लग गया तो समझ लीजिए क्या है वो, वर्ब है। नाउन्स जैसे इसमें एक है अपोलोजाइज, अपोलोजी से अपोलोजाइज, और क्रिटिसाइज, मेमोराइज, सिंबलाइज, सिंपथाइज, फॉसिलाइज। फॉसिलाइज क्या होता है? अवशेषों की जानकारी वनकारी देना बताना, वो चीज़ फॉसिल, अवशेष जो साइंस होती है एक फॉसिल। एफ वाई लगने से भी होता है, बता रहा था एफ वाई आई एफ वाई, रिएक्टिफाई और मॉडिफाई और है ना ऐसे, ब्यूटिफाई, आइडेंटिफाई, कितनी बढ़िया चीज़ें यार। एफ अच्छा, आइडेंटिफिकेशन आई ओ एन नाउन है, आइडेंटिफाई वर्ब है, आइडेंटिटी नाउन है, आई टी वाई से नाउन बनते हैं, आइडेंटिकल सी एल आ गया तो एडजेक्टिव, काम की चीज़ है कि नहीं बताओ। लेकिन ये निश्चित है कि बोरिंग है, लेबोरियस है, और आपको करना कतई पसंद नहीं करते। जैसे ही वर्ड फॉर्म से नाम लेते हैं अजीब चेहरे होते ही नहीं होते हैं राजकुमार, ये क्या आप पूछने लग गए। और ये भी कहेगा तो आप याद करोगे उसको, याद आपको करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम तो पढ़ लो कम से कम, वर्ड फॉर्मेशन मिनिमम चीज़ है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो कर लो, फिर अगर पूरे नहीं कर सकते तो कम से कम वो तो कर लो। क्लासीफाई, सर्टिफाई, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई क्या होता है? आई रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, करेक्ट करना, टू करेक्ट, रेक्टिफाई। एम्पलीफाई, आवाज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, एम्पलीफायर। कोडिफाई, सर्टिफाई, ई एफ आई से भी होता है। देखो लिक्विफाई कितनी अलग स्पेलिंग है, लिक्विड की स्पेलिंग तो क्या होती है रूपी, और लिक्विफाई की हाँ क्यू यू ई एफ आई आर ई आ जाता है एक ही जगह लिक्विफाई। एडजेक्टिव वर्ब के भी दो तीन है, वही सेम है ई एन, जैसे राइपन, डेफन और ये, और आई एफ वाई सिंप्लीफाई, इलेक्ट्रीफाई, और आई एस सी मॉडर्नाइज, लीगलाइज, पॉपुलराइज, आई एस सी आई जेड कुछ जोड़ दो आप, बट
मैं कह रहा था कि एग्जाम्पल से याद रहे ना, लेकिन इतना जरूर याद रहना चाहिए कि आई जेड ई आई एस ई एफ वाई और ये ई एन आई एन जी ई डी एस ई एस, इनके लगने से वर्ब बनती है। ई एन से नहीं बनती हैं, ब्लैक एन और ये सब बनती हैं, और आई एन जी से बनती हैं, स्विमिंग सब वर्ब बनती हैं, नाउन से बन जाती हैं इस तरह वर्ब। इसके अलावा ई डी लगने से बनती है, वर्ब बनती हैं लगने से, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती कि नहीं होती है। तो ये अच्छा, एडवर्ब किस किस से लगने से बनते हैं? एक तो आप सब जानते हैं क्या, एल वाई। इसके अलावा अपवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, इसमें क्या लग रहा है? डब्ल्यू ए आर डी लग रहा है। क्लॉक वाइज साइड वाइज, तो इनमें वाइज लग रहा है, उससे भी क्या होता है, क्लॉक वाइज एडवर्ब है तो एडवर्ब बन जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग हेड लॉन्ग साइड लॉन्ग, तो इनसे क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। तो चार ही बड़े, एक तो कौन सा है वाइज, एक वर्ड, एक एल वाई और एक लॉन्ग। लॉन्ग लिखा नहीं है आपने, अच्छा। ठीक है, अच्छा एडजेक्टिव से एडजेक्टिव वाले दो ही हैं इसमें, बिना देखे बिना देखे। एक तो आई एस एस, जैसे चाइल्डिश मतलब चाइल्ड जैसा, लाइक, और एक होता है वर्ड, वो जैसे टवर्ड्स, ये तरीके टूवर्ड्स वाला होता है, बैकवर्ड है ना, पीछे की तरफ, नॉर्थवर्ड नॉर्थ की तरफ, टवर्ड्स की तरफ। तो टूवर्ड्स का डब्ल्यू आर डी जोड़ दिया इसमें, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव। बाकी फिर ये लंबा चौड़ा दे रखा है इसमें, एक वर्ब से एडजेक्टिव बनाना, वर्ब से एडजेक्टिव, ये मैंने लास्ट क्लास में पूछा था आप लोगों से, वर्ब से एडजेक्टिव कौन कौन से ध्यान है आपको। नहीं नहीं गलत जगह चले गए यार, वर्ब से एडजेक्टिव ए आई बी एल ई तो है, ए बी एल ई आई बी एल ई और ई एन ई डी आई एन जी ई एन टी ए एन टी, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होता है, ओबीडियंट है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, नहीं वो अलग अलग जगह चली गया, वो नहीं है इसमें, आई एन जी है, ये है वर्ब से एडजेक्टिव, वर्ब से आप वो नाउन से एडजेक्टिव में जा रही है, वर्ब से एडजेक्टिव होगा, वो पढ़ने पर होगा। राजकुमार कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा कन्फ्यूज राजकुमार, उसने पढ़ा ही नहीं, तो जरा कन्फ्यूज कहाँ से होगा। कन्फ्यूज कौन होता है, जो जरा पढ़ लेता है यार ये वो है कि वो है, तब होगा। पर ठीक है, अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में कभी जब दूसरा बैच बनेगा तब याद करना है। अभी कल से आपको क्या याद करना है, फ्रिजल, मैं फ्रिजल वर्ब सुनूंगा जो इससे बहुत सरल है, और फ्रिजल वर्ब सरल, फिर अगला टॉपिक आएगा इडियम्स, बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बट पहले फ्रिजल वर्ब करेंगे फिर इडियम्स पर जाएंगे हम लोग। चलो थैंक यू सो मच, हाँ बोलो।